यू अभिषेक भाई। वेलकम विपिन भाई। अरे थैंक यू आप नहीं आए तब तक मैं सोच रहा था कि कुछ मैं ट्रायल करके देख लूँ, वीडियो में मेरा ऑडियो का सेटिंग थोड़ा ज़्यादा प्ले कर दूँ। देखिए हो गया ना? इधर आवाज आ रहा था क्या? वीडियो मेरे इसमें ना वीडियो प्ले हो रहा है, आवाज नहीं आ रहा है। वो सेटिंग सब कर लिया पर पता नहीं समा वो आवाज नहीं आ रही है। वो हाँ आवाज तो निकल लैपटॉप से ना, शेयर स्क्रीन तब मैं करोगे बाहर ना? एकदम वॉल्यूम में हाँ जहाँ पे रहेगा ना उसका वो हाँ बटन, एक बटन था उसमें नीचे का ऑप्शन था। हाँ सब सब ट्राई कर लिया। वॉल्यूम के बाजू में एरो है, वो एरो दबाया, लीव कंप्यूटर सर ऑडियो, स्विच टू फोन ऑडियो, सब सब। एक मिनट मैं बताता हूँ क्या। शेयर स्क्रीन करोगे ना तो शेयर स्क्रीन का बॉक्स के नीचे लेफ्ट साइड पे दो बटन है, कंप्यूटर साउंड हो ये, तो वो जैसा आप चालू करेंगे आपके वीडियो का भी तो ऑडियो चालू हो जाएगा। शेयर स्क्रीन किया तो इसमें किधर नीचे दो ऑडियो है शेयर बटन दो स्क्रीन के किधर? नीचे जैसे आप शेयर स्क्रीन को नहीं, हाँ ग्रीन वाला पट्टी ना। ये नहीं, नहीं एक मैं बताता हूँ, नहीं, एक ये बंद कर दो, देता सब बंद कर दो, शेयर स्क्रीन भी बंद कर हूँ, दो। कर दिया ना मैंने। हाँ शेयर स्क्रीन आप चालू करोगे ना तो जो बॉक्स आता है सब सिलेक्ट करने का बॉक्स आता है, तो हाँ बॉक्स के नीचे दो ऑप्शन टिक करने का है, देखो। ओके। वो शेयर स्क्रीन दबाने के बाद ही शेयर कंप्यूटर साउंड है। हाँ ओके। हाँ वो तो मैंने यस कभी देखा ही नहीं है। हाँ वो तो कभी देखा ही नहीं हाँ हाँ वो करोगे ना तो हो है। जाएगा। अभी एक ट्रायल करता हूँ, चलो एक बार। हाँ काफी होना ही चाहिए होपफुली मतलब। आ रहा भी आवाज? ये नहीं आ रहा है, ये पॉज करके रखो, वापस शेयर स्क्रीन स्टॉप करके वापस करो, एक काम करो पॉज करके आ रहा रखो, भी आवाज? नहीं, हाँ इसको रेडी रखो, शेयर स्क्रीन स्टॉप करो हाँ और वापस शेयर स्क्रीन चालू करके इसको ये VLC चालू करो, यानी ये प्लेयर सिलेक्ट करो। ओके। We get emotional. Welcome to the life of a wedding photographer. दीपेन भाई गौर करो, गौर करो दीपेन भाई की। जय 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 हो दीपेन भाई। तो चलो तो आई थिंक नहीं नहीं भाई इट्स लाइक ऑलमोस्ट 4:57। वी शुड कोई बात नहीं, मैं प्ले कर देता हूँ। यस फ्रेंड्स, दोज हु आर न्यू टू MPG, सो टुडेज सेशन इज बीन ऑर्गेनाइज बाय मुलुंड फोटोग्राफर्स ग्रुप ऑफ विशाल सर, डॉक्टर विशाल सर। दोज हु आर न्यू टू दिस मुलुंड फोटोग्राफर्स ग्रुप काइंडली रिक्वेस्ट टू व्यू दिस वीडियो विच इज़ बीइंग नाउ प्लेड इन दिस सेशन। दो जो नए हैं MPG के लिए, MPG क्या करता है, वॉट MPG इज़ एंड वॉट MPG इज़ डूइंग और क्या MPG ने किया है पहले, एक वीडियो के माध्यम से हम बताना चाहते हैं। यस When you celebrate, we celebrate. When you get emotional, we get emotional. Welcome to the life of a wedding photographer.
Not many understand that sometimes in the midst of celebrations, the one who's capturing your moments is missing out on so many special moments of his own. To capture other people's celebrations, we forget our own. It can get very tough. It's a job that has no fixed salary, no pension, no provident fund, no fixed timings, and definitely no godfather. Considering all these facts, some like-minded photographers join hands together with one aim, one mission, welfare of the photographers' community. And that's how Bullen Photographers Group, MPG, was born. The group started in 2004 with only 43 members on board. The initial activities of the group were organizing family get-togethers for the members, where a live orchestra was also arranged to entertain the gathering. Kids of the members were also encouraged to show their talent on stage during these entertainment programs. The get-togethers also presented a grand variety of delicious dishes for dinner. Gradually, MPG also started felicitating those children of the members who scored about 75% in academics with a Saraswati Samman that comprised of a gift and a certificate. What's more, MPG also organizes a family picnic in the beautiful monsoon season, giving the members a chance to rest, relax, and yet have fun with both friends and family. Activities like these are aimed at not just bringing the photographers together, but also their families, making the MPG one big, fat, happy family. As time progressed, the group realized that social events alone were not enough. And what better than upgrading their knowledge? Thus, a major photography workshop was held in Jainam Banquet Hall in Bhandup in 2010, where eminent photographer Mr. Parag Shinde guided the members on the current trends. Also, a trade fair was organized in that workshop. Around 200 members benefited from this event. Being a part of such a creative field, MPG thought as why to limit themselves indoors. They decided to step out for outdoor photography excursion. The first trip was made in 2011 to the historic Vasai Fort, where a photography competition too was held to motivate members to showcase their most creative pictures. The latest rage was a candid pre-wedding shoot. MPG grabbed this opportunity and was the first ever group to organize an outdoor pre-wedding shoot that had those couples as subjects who were about to get married. As many as 150 participants had a first-hand experience under the guidance of master photographer, Mr. Viraj Somaya. He shared key tips and techniques with the photographers so as to benefit all of them in the long run. Over time, the team realized that importance had to be given to post-production work as well. Hence, MPG also started organizing mini workshops on the same, conducted by our very own experienced members and could accommodate 12 to 15 members to raise the level of individual attention and maximize interaction. This can help them focus on their work, give their best to the clients, and bravely face the stiff competition. These mini workshops are a biannual affair. A major breakthrough happened when MPG tied up with Sony Alpha for an event held in Hotel Kohinoor Continental in 2014. The workshop was facilitated by famous fashion photographer Mr. Vikram Bawa and eminent photographer Mr. Hari Mahidhar, who gave pointers on the lighting techniques to be used in studio setups in weddings. MPG is a strong supporter of Sahyog Photographers Society. The Sahyog Photographers Society is an association of the photographers community that helps the photographers and their families in difficult times. To be a part of this society, one has to be affiliated to a group, and thus MPG provides a platform to its members to join the society through them. Most members felt that there should be a single source of contact details of member photographers, videographers, editors, lab owners, equipment suppliers, etc. in Mumbai. Thus, MPG started with a novel concept of an attractive New Year diary
which is distributed to all the members before Diwali and also serves as an order booking diary. This diary has proved to be a most efficient way to network. MPG always emphasizes the importance of constantly staying in touch with its members. The group has a presence on various platforms provided by communication technology, including chat applications like WhatsApp and social websites like Facebook, apart from the regular SMS and email connections. A website launch is also on the cards. These are meant for providing updates and news on a real-time basis. We not just stayed below our logo, but firmly believe that MPG is with you at all times. Yes, friends, इस वीडियो के पीछे का जिस पीछे जिसका आवाज़ था, I would like to call Mr. Naresh Bhai Ahuja, please come and introduce our today's speaker. Yes, kindly request members to please mute your voice. Yeah, yes, Naresh Bhai, please come and introduce our today's mentor, Dr. Vishal Bhai Dedia. Yes. Thank you, Dipen. Good evening to all. Welcome to one more webcast from Mulund Photographers Group. Aankhein, नेत्र ये हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। ये सिर्फ महत्वपूर्ण इसीलिए नहीं क्योंकि इससे हम हमारे जो सृष्टि के जो नजारे हैं वो देख सकते हैं, बल्कि इसके बगैर दुनिया पूरी अंधेरा है। ये महत्वपूर्ण इसीलिए भी है क्योंकि हमारे प्रोफेशन में जो हमारी ये दो आंखें देखती है वही हम कैमरा को दिखाते हैं। तो आज का टॉपिक हम आंखों के ऊपर है और हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर विशाल डेडिया। इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं देना चाहूंगा। इन्होंने अपनी MBBS लोकमान्य तिलक हॉस्पिटल जो के सायन में है वहां से की है और इन्होंने अपना MS ऑप्थोमोलॉजी में बैंगलोर से किया था। इन्होंने अपना फेलोशिप इन विट्रियो रेटिना सर्जरी अंडर द गाइडेंस ऑफ डॉक्टर एस नटराजन जो के काफी मशहूर डॉक्टर हैं, आई स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर विशाल, आई वुड लाइक टू टेल यू के 1997 में मैंने भी डॉक्टर नटराजन और उनके जो गुरु और मेंटर हैं जो कि शंकर नेत्रालय के चीफ हैं वेल्लोर के, इन दोनों के साथ मैंने काफी सारे CMEs की हुई हैं। सो आई डेफिनेटली नो देम एंड डॉक्टर नटराजन के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि ही इज अ स्पेशलिस्ट इन ग्लूकोमा एंड रेटिना डिटैचमेंट। और डॉक्टर विशाल के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि काफी सारी संस्थाओं के लिए ये काफी सारे हॉस्पिटल्स में ये अपनी सेवाएं देते हैं, जैसे कि शंकरा आई केयर और वसन आई हॉस्पिटल। और हाल ही में करंटली ये प्रोप्राइटर और डायरेक्टर हैं श्री नेत्रालय सुपर स्पेशलिटी आई केयर एंड रेटिना सेंटर जो कि वडोदरा गुजरात में स्थित है। इन्होंने अपनी निस्वार्थ सेवाएं ऑनररी सर्विसेज गुजरात के काफी सारे छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स और सिटीज में जैसे कि कच्छ, भावनगर, गोधरा और भरूच में दी हैं। और इन्होंने पेपर्स अपने जो मेडिकल पेपर्स और प्रेजेंटेशंस नेशनली इंटरनेशनली जर्नल्स और कॉन्फ्रेंसेस में प्रेजेंट किए हैं। इनका कुल एक्सपीरियंस 14 साल का है और आज तक इन्होंने लगभग 20,000 से भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स आई सर्जरीज की है। मैं ज्यादा वक्त ना लेते हुए आमंत्रित करना चाहूंगा आज के हमारे मेंटर डॉक्टर विशाल डेडिया। वेलकम सर। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। आई थिंक आई एम ऑडिबल, सब सुन सकते हैं मुझे? यस सर, यस यस। हां, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड थैंक यू मुलुंड फोटोग्राफर्स ग्रुप फॉर इनवाइटिंग मी।
Let me just share my screen first. Can you see the screen, Avi? Yes. Yeah, we can see it properly. Okay. So thank you so much, MPG, for inviting me for this important topic. I think, yes, jaise unhone introduction mein kaha tha, eyes are very important for photographers. So in general, public ke liye bhi eyes bahut important hai. So we'll be speaking about ye basic important cheeze jo photographers se associated hai. Uske alawa main also baat karunga thode bahut jo treatment aspects and kaise hum isko prevent kar sakte hai. And there'll be some general items because I was told there are a lot of females and children also who may be attending the seminar. So main general items bhi usme thode se include kar dunga. Okay. So shall we start? Yes. Presentation. Yes. Yeah. So coming to the main points, आँखें हमारे लिए इतने important क्यों है? So we all know अपने पास 5 senses है, vision, hearing, smell, taste and touch. So वैसे तो हमारे लिए सभी senses बहुत important है, लेकिन उसमें से आँखें इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है? सबसे ज़्यादा जो इम्प्रेशंस हम लोग बाहर से लेते हैं, आउटसाइड वर्ल्ड से, 80% दैट इज़ थ्रू आवर आइज़. सो आँखों की हेल्थ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसके बिना हम लोग एक हेल्दी लाइफ जी नहीं सकते. स्पेशली फॉर द फोटोग्राफर्स, जैसे सर ने पहले ही कहा था इंट्रोडक्शन में, अगर हमारी आँखें अगर हेल्दी नहीं रहेंगे तो फोटोग्राफर्स भी अच्छे से फोटोग्राफ ले नहीं पाएंगे. इफ़ यू कैन सी द फोटोग्राफ ऑन द राइट साइड, ऊपर वाला एकदम क्रिस्टल क्लियर है, नीचे वाला ब्लर है. सो अगर आंखों की हेल्थ अच्छी ना हो तो काम अच्छे से नहीं होगा एंड फोटोग्राफ्स भी सही नहीं आएंगे. तो ये एक बेसिक एनाटॉमी का फोटो है, मैंने आंख के लिए रखा है. इसमें आप देख सकते हैं कि आईज में हमारे फ्रंट से बैक में मेन जो स्ट्रक्चर्स है, फ्रंट पार्ट जो है उसको कॉर्निया कहते हैं, या कीकी जो हम लोग बाहर से देखते हैं ब्लैक. जो मिडिल इम्पॉर्टेंट पार्ट है उसे लेंस कहते हैं. सो कॉर्निया और जो लेंस है, अगर आपके कैमरा से अगर हम लोग कंपेयर करें तो इसमें जो हमारा फोकस करने का जो स्ट्रेंथ होता है कैमरा का, वो हमारे आंखों में कॉर्निया और लेंस करता है. सिमिलरली जैसे आपके कैमरा में अपर्चर्स होते हैं जिससे वो लाइट कंट्रोल करते हो, इसी तरीके से आँख में हमारा प्यूपिल होता है जिसे हम पुतली कहते हैं. सो प्यूपिल ऑल्सो कंट्रोल्स जितना भी मैक्सिमम बाहर से लाइट आनी है वो हमारे आँख के पर्दे में कितनी जाएगी. एंड द लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर आई इज रेटिना, रेटिना जिसे हम पर्दा कहते हैं. सो पर्दा जो है वो आपके कैमरा में जैसे एक फिल्म होती है या सेंसर होता है, उसी की तरह काम करता है. अगर रेटिना की हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो फोटोग्राफ्स अच्छे नहीं आएंगे. सो एज यू कैन सी, कैमरा और आँखों के बीच में ज़्यादा अंतर नहीं है. सबसे मेन डिफरेंस जो है, इफ़ यू सी, इज जो रेजोल्यूशन आता है हमारी आँखों में वो इज अप्रॉक्सीमेटली 576 मिलियन मेगापिक्सल्स, whereas for a most advanced cameras also I think it will be around 250 megapixels. So there are a lot of similarities between your eyes and the camera jo aap use karte ho. Ye sabhi ye photo aap dhyan se dekhiye, I think hum sab ne ye kabhi na kabhi experience kiya hoga, especially in these times, lockdown ke time, jab hum full time ya to laptop ya monitors pe rehte hain, aankhein dard karti hai ya strain hota hai. So what is this called? This is called computer vision syndrome या डिजिटल आई स्ट्रेन. सो इसमें डिटेल्स जाने से पहले थोड़ा बहुत हम लोग बेसिक्स पे जाते हैं ब्लू लाइट्स के बारे में. आई थिंक कि सबको पता होगा ब्लू लाइट्स क्या है, अदरवाइज आई जस्ट एक्सप्लेन अबाउट दिस स्मॉल वेवलेंथ का चार्ट. इफ़ यू कैन सी दिस ऑन द राइट साइड जो चार्ट है उसमें हमारा विजन स्पेक्ट्रम आता है जो हम विबग्योर कहते हैं. जो वाइट लाइट होती है वो 7 कलर्स में डिवाइडेड होती है, विबग्योर, VIBGYOR. सो उसी सब स्पेक्ट्रम में से जो आगे की जो राइट साइड वाले स्पेक्ट्रम में टूवर्ड्स द रेड, वो सब हार्मलेस लाइट होता है. जैसे ही स्पेक्ट्रम ब्लू की तरफ जाता है, दैट इज़ 450 नैनोमीटर्स के आसपास, वो लाइट्स हार्मफुल हो जाती है. और इससे आगे के जो स्पेक्ट्रम होता है उसे हम लोग अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम कहते हैं, विच इज़ स्टिल वेरी हार्मफुल फॉर द आइज. सो देर आर सम साइड इफेक्ट्स ऑफ दैट, आई विल बी टॉकिंग लेटर अबाउट दैट. सो ब्लू आइज होते कहाँ पर है? सो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ब्लू लाइट जो है हमें सनलाइट से आता है. जो दूसरे सोर्सेज है, आर्टिफिशियल सोर्सेज जो हम आजकल रोज़ यूज़ कर रहे हैं, दोज आर मोबाइल्स, योर लैपटॉप्स, आईपैड्स, डिजिटल स्क्रीन्स. सो इसमें पाया गया है कि ब्लू लाइट का जो मात्रा होती है बहुत ज़्यादा होती है,
स्पेशली चिल्ड्रन आर एट मोर रिस्क ऑफ ब्लू लाइट एक्सपोजर. सो ब्लू लाइट से होता क्या है बेसिकली, सो वन मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो है ब्लू लाइट से इज आपकी जो नींद है या जो स्लीप जो हम बोलते हैं वो बहुत डिस्टर्ब हो जाती है बिकॉज ब्लू लाइट इज वेरी मच एसेंशियल ऑल्सो फॉर योर आईज फॉर योर स्लीप एंड वेकफुलनेस साइकिल. सो अगर ज़्यादा एक्सपोजर ब्लू लाइट का होता है तो आपकी स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है और नेक्स्ट डे काफ़ी टायर्ड जाता है जिसे हम लोग इंसोम्निया कहते हैं. कमिंग टू दी आई प्रॉब्लम्स जिसे कंप्यूटर विजन सिंड्रोम कहते हैं, आई थिंक ये लेफ्ट साइड वाला फोटो आप सभी लोग ने कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया होगा. हमारी आँखें लाल हो जाती है, थोड़ी दर्द करती है या इचिंग जैसा होता है हमको, या कभी कभी हमको ऐसा लगता है बहुत भारी हो गई है, सर दर्द होता है. सो दिस इज कॉल्ड कंप्यूटर विजन सिंड्रोम. दीज आर द कॉमन सिम्टम्स जैसे हम आई स्ट्रेन कहते हैं, हेडेक, कभी कभी धुंधलापन आता है बिकॉज आँख में से पानी आ जाता है तो एक परक सी जम जाती है आँख के सामने जिससे हम लोग को ब्लर दिखता है या धुंधला दिखता है, ड्राई आइज हो जाते हैं. एंड दूसरे जो प्रॉब्लम्स है वो है नेक एंड शोल्डर पेन. तो ये सिम्टम्स बेसिकली होते क्यों हैं? मेन प्रॉब्लम जो ये सिम्टम्स होने का स्पेशली इन फोटोग्राफर्स इज जब हम आप लोग एडिटिंग करते हो या जो लॉन्ग आवर्स आप कंप्यूटर पे बैठते हो इज मेनली बिकॉज ऑफ दीज फैक्टर्स जैसे कि पुअर लाइटिंग, रूम में लाइटिंग अगर ठीक नहीं हो तो ग्लेयर है जो डिजिटल स्क्रीन से हमको आता है, अगर डिस्टेंस अच्छा नहीं है बिटवीन द लैपटॉप एंड और योर डेस्कटॉप एंड योर डिस्टेंस वेयर यूर सिटिंग, जो दूसरा है अच्छा पोस्चर नहीं अगर आपका बैठने का, अगर किसी को आँख के प्रॉब्लम्स है नंबर्स है और अगर वो नहीं पहनते या उसको करेक्ट नहीं किया गया तो, एंड दूसरे है ये कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स. सो दीज आर द प्रॉब्लम्स जिसके वजह से ये कॉमन आई प्रॉब्लम होता है कंप्यूटर्स विजन सिंड्रोम. इसको डायग्नोस कैसे करते हैं? सो जब भी ये प्रॉब्लम आता है तो नॉर्मली आप लोग ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाते हो, आँख के डॉक्टर के पास जाते हो, तो वो आपका विजन चेक करते हैं, वो आपको एक मशीन पर बिठा के एक टेस्ट करते हैं, आँखों की जाँच करते हैं. एंड कभी कभी अगर उनको लगता है कि अगर आपको पावर है और आप ज़्यादा स्ट्रेन करते हो तो आँख में ड्रॉप्स डाल के आपको 15-20 मिनट या आधे घंटे के लिए बिठाते हैं, उसके बाद फिर से आँख की जांच करते हैं. सो ये करने से बेसिकली आपका जो नंबर्स है अगर हम ज़्यादा ओवर स्ट्रेस कर रहे हैं तो नंबर्स सही से निकल पाएंगे. ऑल्सो ड्रॉप्स डालने के बाद आपका पर्दा भी चेक किया जाता है. अभी ध्यान रखना है अगर आप आँख के डॉक्टर के पास जाते हो और ड्रॉप्स डाले गए हैं तो उसके बाद 3-4 घंटे के लिए आपका विजन जो है वो थोड़ा सा ब्लर रहेगा. सो अगर आप लोग स्पेशली टू व्हीलर्स पे जाते हो अगर चेकअप के लिए और ड्रॉप्स डालने वाले हैं तो यू हैव टू कीप रिमाइंडिंग योरसेल्फ कि आपको टू व्हीलर्स या खुद ड्राइव करके नहीं जाना है, किसी और को साथ में लेके जाना है, स्पेशली अगर ड्रॉप्स डाले गए. ओके, सो दिस इज द चेकअप विच इज बेसिकली डन फॉर दीज प्रॉब्लम्स लाइक कंप्यूटर विजन सिंड्रोम. इसके जो बेसिक ट्रीटमेंट है, जब हम लोग अगर ये डायग्नोस कर दिया है कि कंप्यूटर विजन सिंड्रोम है, आपको कंप्यूटर्स की वजह से या एक्सेसिव मोबाइल्स की वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो करते क्या है? एक तो है अगर आपके पास पावर आया है तो आपको नंबर्स दे देंगे. अगर नंबर्स पुराने वाले आप जो यूज़ कर रहे हो वो सही नहीं है तो आपका नंबर करेक्ट करेंगे और न्यू नंबर्स दे देंगे. अगर किसी के पास नंबर्स नहीं है, जीरो पावर आता है, तो काफ़ी बार वो लोग कंप्यूटर ग्लासेस आपको सजेस्ट करते हैं. कंप्यूटर ग्लासेस बेसिकली जीरो पावर के होते हैं लेकिन उसमें एक एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग होता है, येल्लो कलर का एक टिंट जैसा होता है जो बेसिकली ये ब्लू रेज जो होते हैं उसको ब्लॉक करते हैं, सो दैट इससे कॉन्ट्रास्ट अच्छा होगा और कम्फर्ट ज़्यादा अच्छा हो जाएगा. ऑल्सो देर आर एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग्स जो आप यूज़ कर सकते हो लेंस के ऊपर या कॉन्टैक्ट लेंसेज जो यूज़ करते हैं जिससे कि ग्लेयर कम हो जाएगा और कॉन्ट्रास्ट अच्छा बढ़ेगा. स्पेशली फॉर फोटोग्राफर्स, आपके कैमराज में आई थिंक सभी को पता होगा ये व्यू फाउंडर होता है, उसके पास में एक डायोप्टर एडजस्टमेंट का एक नॉब होता है. सो जिनको भी नंबर्स है और अगर वो ग्लासेस नहीं यूज़ करते उस टाइम पे तो यू कैन एडजस्ट दैट डायोप्टर, सो राइट या लेफ्ट साइड में आप उसे मूव कर सकते हैं सो दैट आपके नंबर्स को वो कोइंसाइड करे, सो दैट आपका विजन अच्छा क्लियर रहेगा. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इसमें ये होता है बिकॉज आप एक ही आँख से देखते हो और फिर सडनली आप जब बाहर देखते हो तो बार बार जब आप एक सिंगल आई यूज़ करते हो तो उससे स्ट्रेन बढ़ता है. इसीलिए अगर आप नंबर्स ठीक से करेक्ट कर लोगे तो इवन इफ़ यू आर नॉट वेयरिंग ग्लासेस तो अगर ये नंबर सही से आपने करेक्ट किया होगा तो यू विल बी मोर कम्फर्टेबल. ठीक है, दी अदर थिंग्स विच द डॉक्टर्स कॉमनली गिव इज लुब्रिकेंट्स. लुब्रिकेंट्स बेसिकली सिंपल ओवर द काउंटर ड्रॉप्स है जिसे हम लोग आर्टिफिशियल टीयर्स कहते हैं. ये डालने से आँखों में नमी रहती है, आपको कूलिंग इफेक्ट आता है और ड्राइनेस कम हो जाती है. इस ड्रॉप्स के ज़्यादा साइड इफेक्ट्स भी नहीं है, यू कैन यूज़ इट प्रॉपरली. एंड बहुत ज़्यादा समय के लिए यूज़ नहीं करना है, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के सिवाय यूज़ नहीं करना है या उनके एडवाइस के बिना. एंड ऑल्सो रिमेंबर करना है कि अगर प्रिजर्वेटिव फ्री ड्रॉप्स रहे तो ज़्यादा अच्छे हैं आँख के लिए. नाउ ये तो रहा अबाउट द चेकअप एंड द ट्रीटमेंट पार्ट. अभी आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है इस प्रिवेंशन, हम लोग ये सब चीज़ों से कैसे बच सकते हैं.
जैसे कि आप देखते हो दिन रात हम लोग स्क्रीन के सामने होते हैं, स्पेशली इन दीज टाइम्स जब लॉकडाउन चल रहा है या तो फिर पैंडमिक है, स्क्रीन 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 सिर्फ हमारे पास सामने स्क्रीन ही होता है, आइदर इट इज इन द फॉर्म ऑफ योर कंप्यूटर डेस्कटॉप या तो फिर फोन है या आपके टीवीज है। बच्चे भी आजकल पूरा दिन भर लैपटॉप के सामने या मोबाइल के सामने होते हैं। सो हमको ये ध्यान रखना है कि हमको अपनी आंखों का ध्यान रखना है, उसको गुड हेल्थ में रखना है सो दैट ये प्रॉब्लम्स हमको ना हो। ऑल्सो ध्यान रखना है जैसे कि आप लोग अगर फोटोग्राफर्स है, आपका काम मैक्सिमम टाइम दिन में शायद 6 से 8 घंटे कंप्यूटर के सामने ही होगा, काम किए बिना तो चलेगा नहीं, तो काम तो करना ही है, लेकिन उसके साथ साथ अगर आँख की अच्छी हेल्थ का हम लोग ध्यान रखेंगे तो हमको ये प्रॉब्लम्स कम होंगी। सो आई विल बी टॉकिंग अबाउट दैट अ फ्यू प्रिवेंटिव टिप्स। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फोटोग्राफ आप सभी के लिए। अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आप डेस्कटॉप यूज़ कर रहे हो फोटो एडिटिंग के लिए, बहुत लंबे समय तक आप अगर डेस्कटॉप पे काम करते हो, तो ये फोटोग्राफ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान से अगर आप देखेंगे टेबल की हाइट से लेके आपके चेयर की हाइट, आपके लेग्स जो है वो किस तरीके से होने चाहिए, पैर की तरफ आपका फुटरेस्ट होना चाहिए, आपका जहाँ पर रिस्ट होता है वहाँ पर एक पैडिंग होता है जिससे कि आपको हाथ को सपोर्ट मिलेगा, वो कीपैड के पास होना चाहिए। अगर आप स्क्रीन का लेवल आप देखोगे तो आँख के लेवल के साथ साथ स्क्रीन का लेवल होना चाहिए, और हम जो चीज़ देखते हैं वो अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 20 डिग्रीज हमारे से नीचे होती है। सो ये फोटोग्राफ बहुत अच्छे से और ध्यान से देखिएगा, बिकॉज ये रोज़ाना हमको करना है। अगर आप हेल्दी पोस्चर रखोगे और अगर ये हेल्दी हैबिट्स रखोगे तो फिर ये प्रॉब्लम होने के चांसेस कम रहेंगे। ठीक है, गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। ऑल्सो अगर आप लोग सपोज कोई डॉक्यूमेंट्स है या तो कोई रेफरेंस मटीरियल अगर आप उसको देख रहे हो, तो बार बार जैसे कि आप अगर टेबल पे रखा हुआ कोई बुक देखोगे फिर आप अपने सामने देखोगे। हेलो, या सो बेसिकली अगर आप लोग कोई अगर डॉक्यूमेंट को देख रहे हो और आप बार बार अपने स्क्रीन को देख रहे हो, घड़ी घड़ी जैसे आपकी अगर आईज यहाँ से वहाँ शिफ्ट होगी तो स्ट्रेन बढ़ेगा। सो अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए कोई अगर डॉक्यूमेंट को देखना है, सो दीज टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट होल्डर्स आर अवेलेबल जो आप अपने टेबल पर सेट कर सकते हो, जिसका लेवल ऑलमोस्ट आपके स्क्रीन के साथ हो, सो आपको आईज को ज़्यादा मूव ना करना पड़े। लाइटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वेन यू आर वर्किंग फॉर लॉन्ग आवर्स। बाहर से अगर बहुत ज़्यादा लाइट आ रही है तो ग्लेयर बहुत ज़्यादा होगा, उससे स्ट्रेन बढ़ेगा। सो अगर आप विंडोज़ वगैरह है तो ब्लाइंड यूज़ कर लीजिए, ड्रेप्स यूज़ करिए, पर्दे कवर कर लीजिए सो दैट इतनी ज़्यादा लाइट ना आए, और लो वोल्टेज के बल्ब यूज़ करिए सो दैट आपको ग्लेयर कम रहेगा। ऑल्सो आजकल एंटी ग्लेयर स्क्रीन अवेलेबल है जो आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर लगा सकते हो, जिससे कि कम्फर्ट ज़्यादा बढ़ जाएगा। नाउ दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड फॉर दोज पीपल हु आर वर्किंग फॉर वेरी लॉन्ग आवर्स ऑन कंप्यूटर्स, स्पेशली अगर आप जैसे 6-8 घंटे काम कर रहे हो, तो ये ध्यान में रख लीजिए। एक सिंपल निमोनिक है 20-20-20, बहुत ही सिंपल है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप इनकलकेट करिए अपने रेगुलर हैबिट्स में। हर 20 मिनट काम के बाद आपको 20 सेकेंड के लिए कोई भी एक ऑब्जेक्ट जो 20 फीट दूर है उसको देखना है आपको। आप कंटिन्यूसली जब अगर कंप्यूटर पे काम करते हो, एक डिस्टेंस पे काम करते हो, तो आपकी आंखें एक ही डिस्टेंस पे काम करते करते थक जाएगी, स्ट्रेन आ जाएगी, मसल्स पे ज़्यादा लोड आएगा। तो जैसे ही 20 मिनट खत्म होते हैं, कोई भी एक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो अराउंड अप्रॉक्सीमेटली 20 फीट पे हो, उसको 20 सेकेंड के लिए देखना है, एंड देन यू रिज्यूम योर वर्क, फिर से आप अपने काम पे लग सकते हो। सो ये करते रहना है बार बार 20-20 मिनट्स के बाद, बीच बीच में आपको ये हल्का सा 20 सेकेंड्स का ब्रेक लेना है। ऑल्सो अगर आप बहुत घंटे काम करते हो, तो 1 से 2 घंटे बाद 10-15 मिनट का ब्रेक ले लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, कंप्यूटर स्क्रीन से दूर जाके कुछ और काम करिए। बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है अगेन, हम क्योंकि कंप्यूटर स्क्रीन पे इतना सारे काम करते हैं तो हम लोग ब्लिंक करना भूल जाते हैं। स्पेशली अगर आप बहुत ज़्यादा स्टेयर करके कुछ काम कर रहे हो, अगर आप बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करके काम करते हो, तो यूजुअली हमारी आँखें ब्लिंक नहीं करती है। अगर ब्लिंक नहीं करेगी तो हमारी आंखों में जो नमी है वो कम रह जाएगी या आंखें ड्राई हो जाती है, और ड्राइनेस की वजह से आंखों में पेन, रेडनेस, दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा। सो डोंट फॉरगेट टू ब्रिंक कॉन्शियसली एफर्ट करके ब्लिंक करते रहना है सो दैट आपकी आंखें ड्राई नहीं रहेगी और नमी अच्छे से बनी रहेगी। फ्यू मोर टिप्स फॉर योर कंप्यूटर वर्क, जैसे कि अगर आप टेक्स्ट ज़्यादा यूज़ कर रहे हो तो उसके जो फॉन्ट्स होते हैं वो बड़ा कर दीजिए। कलर कॉम्बिनेशन जैसे आप यूज़ करते हो तो कुछ कलर कॉम्बिनेशन आर नॉट गुड फॉर योर आइज, जैसे ब्लू ऑन रेड या ग्रीन ऑन रेड, उसको अवॉइड करिए। ऑल्सो जो फॉन्ट्स होते हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल रखिए, स्पेशली जैसे जॉर्जिया या कैलिब्री जो फॉन्ट्स आते हैं वो सिंपल फॉन्ट्स है। अवॉइड इंट्रिकेटिव या कर्सिव फॉन्ट्स फॉर टू लॉन्ग, उससे भी स्ट्रेन बढ़ता है। जो अदर प्रॉब्लम्स है जो हमारे ब्लू लाइट से होते हैं या कंप्यूटर स्क्रीन से होते हैं, दीज प्रॉब्लम्स आर मोर सो बिकॉज ऑफ एज, बट जैसे कि हम कंप्यूटर स्क्रीन अगर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो तो देर आर रिपोर्ट्स कि उससे ये प्रॉब्लम एक्सेंचुएट होते हैं या वर्सन होते हैं।
बेसिकली मोतिया जो सबको पता होगा कैटरेक्ट जो हम बोलते हैं, वो आंखों का जो लेंस होता है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर होता है। जैसे ही एज हो जाती है तो हमारी आंखों का लेंस है वो धीरे धीरे ओपेक होने लगता है, जिसे हम लोग कैटरेक्ट कहते हैं या ओपेसिफिकेशन ऑफ द लेंस कहते हैं। तो आप अगर ये फोटो देखोगे तो एक साइड का जो पुतली है वो पूरी ब्लैक दिख रही है और राइट साइड जो साइड है उसमें आपको ये व्हाइट कलर का जो दिख रहा है वो है मोतियाबिंद। सो नॉर्मली मोतियाबिंद एज की वजह से आता है, बट अगर जो लोग ये प्रोफेशन में हैं और बहुत सालों से ये काम करते हैं, ब्लू लाइट एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, तो उनको कैटरेक्ट थोड़ा जल्दी आ सकता है। सो ध्यान रखिए, ये जो प्रिवेंशन मैंने बताए अगर आप पहले से फॉलो करोगे तो ये चांसेस या ये डिले हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि कैटरेक्ट नहीं होगा, कैटरेक्ट एज के हिसाब से सबको आना ही है, बट इसको हम डिले कर सकते हैं। ऑल्सो इम्पॉर्टेंट है कि कैटरेक्ट जो है वो जो लेंस है हमारा जो नॉर्मल लेंस, उसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है टू ऑब्स्ट्रक्ट जो यूवी रेज जो बाहर से आते हैं या जो ब्लू रेज है थोड़े हद तक उसको ब्लॉक करता है आँख के अंदर जाने से, जो नेचुरल लेंस होता है। सो जैसे ही आप अगर मोतियाबिंद निकालते हो तो जो नॉर्मल जो बैरियर है वो हमारा हट जाता है। सो आजकल काफ़ी सारे जो लेंसेज आते हैं जो आपको, जैसे डॉक्टर्स आप जैसे जाते हो मोतिया के लिए तो आपको एक्सप्लेन करेंगे जो मणि हम जो बोलते हैं या जो लेंस बोलते हैं जो हम उसको रिप्लेस करते हैं, तो उसमें भी बहुत सारे ऐसे लेंसेज आते हैं जिसमें ये प्रोटेक्टिव लेयर्स होते हैं या फिल्म्स होते हैं जिससे कि हम लोग को ये जो हार्मफुल रेज है ये पर्दे में ना जाए। सो यू कैन चूज दैट, ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेंस के जो ऑप्शंस आपको डॉक्टर देंगे, डिस्कस विद देम, आपके प्रोफेशन के हिसाब से आप बात कर सकते हो कि हमारा अगर ये काम ज़्यादा है हमारे कंप्यूटर पे, तो उस हिसाब से डॉक्टर फिर बाद में जो लेंस है वो चूज करेंगे। जो अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो ब्लू रेज से रिलेटेड है, दैट इज रेटिना में जो साइड इफेक्ट्स होते हैं जिसे हम लोग कहते हैं मैक्यूलर डीजनरेशन। रेटिना, जैसे मैंने कहा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके आंखों का। आपके कैमरा में जैसे फिल्म होती है उसी तरीके से आंखों में हमारा रेटिना होता है। अगर फिल्म खराब हो जाएगी तो इमेजेस अच्छे नहीं आएंगे। सिमिलरली अगर हमारे रेटिना में अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप नीचे का जो इमेज देख रहे हो आप देख सकते हो, जैसे हमारा जो विजन है वो ब्लर है। जो राइट साइड वाला इमेज है उसमें बच्ची एकदम ब्लर दिख रही है, लेफ्ट साइड में क्लियर दिख रही है। सो मैक्यूलर डिजनरेशन में भी जो पेशेंट्स होते हैं उनको ये सेंटर में ऐसे ब्लरिंग या जो काला जो दिख रहा है बीच में धब्बा जैसा दिखने लग जाता है। नॉर्मली ये भी एज रिलेटेड होता है, यूजुअली अराउंड 60 प्लस पेशेंट्स के होता है, 60 एज या 70 एज के बाद होता है। बट जो लोग अगर लाइफ टाइम ये काम कर रहे हैं, स्पेशली ये ब्लू लाइट का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, उनको ये थोड़ा सा जल्दी हो सकता है, ये रिपोर्ट्स में आया है। सो ध्यान रखना है ब्लू लाइट्स के लिए ये सब जो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है। अब मैक्यूलर डिजनरेशन बेसिकली होता क्या है, आप अगर देख सकते हो ये पर्दे का फोटो है, लेफ्ट साइड में यू कैन सी अ मैसिव ब्लीड या बहुत बड़ा सा हेमरेज या जो ब्लीडिंग हम बोलते हैं पर्दे पे आया है। पर्दे के एग्जैक्टली सेंटर में जो मेन पार्ट है हमारी आंखों का, 90% विजन इस आंख से है, इस एरिया से है, जिसे हम लोग कहते हैं मैक्यूला। तो मैक्यूला पे अगर ब्लीड आ जाएगी तो विजन आपका सडनली कम हो जाएगा। इसका ट्रीटमेंट है, यस, हम लोग इसके लिए हम लोग आंखों में इंजेक्शंस देते हैं। इंजेक्शंस देने के बाद अगर आप राइट साइड का फोटो देखोगे तो ब्लीडिंग कम हो जाती है, विजन भी इम्प्रूव हो जाता है, लेकिन आपका जो नॉर्मल विजन था उससे पहले वो कभी वापस आएगा नहीं। सो यू हैव टू रिमेंबर दैट ये जो डिजीज एक बार हो जाते हैं मैक्यूलर डिजनरेशन, ट्रीटमेंट सब आ गई है लेकिन उसके बाद भी जो हमारी जो पहले जैसी आँखें थी वो कभी भी वापस नहीं आ पाएगी। इसीलिए हम आँखों की जितनी हेल्प कर सकते हैं या जितना भी हम केयर कर सकते हैं, सो दैट वी कैन अवॉइड दीज काइंड ऑफ सीरियस आई प्रॉब्लम्स। ऑल्सो ध्यान रखना है, ये जो इंजेक्शन या जो ट्रीटमेंट आते हैं पर्दे के, ये बहुत महंगे आते हैं। अगर शायद किसी ने फैमिली में अगर सुना भी होगा, ये इंजेक्शन वगैरह 15,000-20,000-30,000 के इंजेक्शन आते हैं। सो ऑल्सो दिस इज अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल बर्डन ऑल्सो फॉर अस। एक है हमारा जो ये प्रिवेंशन या रूटीन लाइफ में हमको जो तकलीफ आती है, आंखों में दर्द, हेडेक, ये सब है, बट ये सब अगर बीमारी आ जाती है तो ऑल्सो ये बहुत बड़ा सा फाइनेंशियल बर्डन भी होता है। इसीलिए ध्यान रखना है कि जितना प्रिवेंशन रखोगे उतना बेटर रहेगा, ये सब बीमारी से हम दूर रहेंगे। सो देर आर दीज फ्यू जनरल एस्पेक्ट्स ऑफ आई केयर, जो प्रिवेंटिव टिप्स है, मैं अभी डिस्कस करूंगा ये फर्दर स्लाइड्स में। अगर आप ये देखोगे निमोनिक TRACK बायहार्ट कर लीजिए, याद कर लीजिए, बहुत ही सिंपल निमोनिक है, यू कैन फॉलो इट फॉर योर लाइफ टाइम। इसमें ऑलमोस्ट होल बॉडी के लिए आपके लिए इसमें इंफॉर्मेशन है। टी स्टैंड्स फॉर टेक योर मेडिसिन एज प्रिस्क्राइब बाई योर डॉक्टर। अगर किसी को ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है या दूसरी कोई बीमारी है तो अपनी दवाइयाँ ध्यान से ले जो डॉक्टर ने आपको दी है। आर स्टैंड्स फॉर रीच एंड मेंटेन अ हेल्दी वेट। वेट मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, हेल्दी वेट, सो दैट हमारी बॉडी में दूसरे प्रॉब्लम्स ना आए। सिमिलरली आइज को भी रिलेटेड है, आइज में भी प्रॉब्लम नहीं आएंगे अगर हेल्दी वेट रखते हो। ए इंडिकेट्स एड मोर फिजिकल एक्टिविटी टू योर डेली रूटीन। स्पेशली दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर फोटोग्राफर्स जो सेडेंटरी लाइफ हो जाती है। अगर हम लोग कंप्यूटर पे काम करते हैं बहुत ज़्यादा, सपोज 6-8 घंटे अगर आप कंप्यूटर्स पे रहते हो, हम लोग फिजिकल एक्टिविटीज़ कम करते हैं,
हमारी आजकल की जो लाइफ स्टाइल अगर आप देखोगे तो बहुत ही सेडेंट्री हो गई है, एक जगह पे बैठना है, काम करना है, खाते हैं फिर से काम करते हैं। सो इस टाइप की जो लाइफ स्टाइल होती है इससे बहुत सारे दूसरे प्रॉब्लम्स जो है जैसे ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, ये सब हम इन्वाइट करते हैं, कोलेस्ट्रॉल वगैरह है। तो जैसे ये प्रॉब्लम्स आएंगे, ये प्रॉब्लम्स इनडायरेक्टली अपने आँखों को भी इफेक्ट करते हैं। सो ध्यान रखिए, फिजिकल एक्टिविटी जो भी कर सकते हैं आप, एक्सरसाइज अपने हिसाब से, अपने फिजिकल हेल्थ के हिसाब से वो आपको करना है। वॉकिंग इज़ अ वेरी सेफ एक्सरसाइज फॉर दोज पीपल जिनको अगर नीज का प्रॉब्लम है या जो ज़्यादा एग्रेसिव एक्सरसाइज नहीं कर सकते, एटलीस्ट 7 to 10,000 स्टेप्स अगर डेली आप चल सकते तो बहुत अच्छा है। सो फिजिकल एक्टिविटीज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। सी स्टैंड्स फॉर कंट्रोल योर ABCs। नाउ ABC स्टैंड फॉर वॉट? ए मतलब है HbA1c। शायद आपको पता होगा अगर कोई डायबिटिक है किसी के घर में या किसी ने सुना होगा, एक एवरेज ग्लूकोज लेवल होता है जो 3 महीने का होता है। बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट्स रोज घर पे चेक करते हैं या महीने महीने में लैब में चेक करते हैं अपना फास्टिंग और खाने के बाद वाला शुगर। HbA1c जो है वो आपका एवरेज है 3 महीने का। सो 3 महीने का जो आपका राउंड अप करके जो एवरेज निकलता है शुगर का, दैट गिव्स अ वेरी गुड इंडिकेशन कि आपने लास्ट 3 मंथ्स में कितने अच्छे से आपका डायबिटीज कंट्रोल रखा है। सो ध्यान रखना है, अगर किसी को डायबिटीज है तो अपना रूटीन जो आप डेली या मंथली जो चेकअप करते हो लैब में वो तो करना ही है, लेकिन 3 to 6 months में अपना HbA1c फॉरगेट मत करिए, ध्यान से उसको करना है सो दैट आपको पता चले कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। जो नॉर्मल HbA1c होता है, दैट इज इंडिकेट्स ऑफ गुड कंट्रोल, इज यूजुअली अराउंड लेस देन 7%। ये नॉर्मली परसेंटेज में आता है। सो बहुत सिंपल है, HbA1c अगर आपका 7% से नीचे है सो दैट इंडिकेट्स गुड डायबिटीज कंट्रोल एंड यूजुअली बॉडी में दूसरे डायबिटीज रिलेटेड साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे। सिमिलरली IB हमारी सेफ रहेगी। डी स्टैंड्स फॉर ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर तो मैंने जैसे कहा बहुत अच्छे से कंट्रोल करना है, वरना आँखों में बहुत सारे प्रॉब्लम्स जैसे ब्लीडिंग होती है, आँखों की नस सूख जाती है, ये प्रॉब्लम्स होते हैं। एंड सी स्टैंड्स फॉर कोलेस्ट्रॉल या आपका लिपिड प्रोफाइल। कोलेस्ट्रॉल जितना ज़्यादा रहेगा तो उससे ब्लड सर्कुलेशन उतना ही स्लो रहेगा एंड इस वजह से जो ब्लड फ्लो अगर कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा तो ब्लड वेसल्स जो हमारे ब्लॉक हो सकते हैं जिससे कि आँखों में प्रॉब्लम आ सकती है। सो कंट्रोल योर ABCs। सी स्टैंड्स फॉर कंट्रोल ऑफ ABCs। एंड लास्ट जो है के स्टैंड्स फॉर किक द स्मोकिंग हैबिट। सो स्मोकिंग अगेन इज़ वेरी बैड फॉर योर आइज, नॉट जस्ट फॉर द आइज, फॉर द होल बॉडी। सो बी केयरफुल स्मोकिंग इन एनी फॉर्म, अगर जैसे बीड़ी सिगरेट है या टोबैको हम यूज़ करते हैं तो उससे भी आँखों में नुकसान होता है। सो ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर जनरल प्रिकॉशंस, TRACK, ध्यान से आप इसको देख लीजिए। कमिंग टू द फूड्स, जो हेल्दी फूड्स है जो आँखों के लिए बहुत काम के है, जिसमें बहुत सारे विटामिन और न्यूट्रिशन या मिनरल्स मिलते हैं, उसमें से ग्रीन एंड लीफी वेजिटेबल्स आर हाई ऑन द लिस्ट। जितना आप इंक्लूड कर सकते हो उतना अच्छा है, उसमें विटामिन ए, विटामिन ई, बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हमको मिलते हैं। सो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आपको इंक्लूड करना है, स्पिनाच है उसमें, ब्रूसेल्स है जैसे कैबेज वगैरह हो गया, ब्रोकोली इज़ अ वेरी रिच सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, कैरेट्स आते हैं बिकॉज रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए है, ऑरेंज और रेड कलर के जो भी फ्रूट्स है, बेल पेपर्स जैसे आते हैं, येलो एंड रेड कैप्सिकम आता है आजकल मार्केट में, बहुत इजीली अवेलेबल है बेल पेपर्स, आप अगर आप रूटीन में आप इंक्लूड करते हो, अपने सैलड्स में इंक्लूड करते हो तो इससे आपको बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स मिलेंगे। एंटीऑक्सीडेंट्स आर वेरी गुड फॉर जनरल हेल्थ ऑल्सो एंड ऑल्सो फॉर योर आइज, जिससे जो एजिंग प्रोसेस या जो एजिंग के प्रॉब्लम्स होते हैं वो डिले होते हैं, मोतियाबिंद या जो ARMD है या मैक्यूलर डिजनरेशन है उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं या हमको उसको डिले कर सकते हैं। तो ये दीज आर द गुड फ्रूट्स। अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है तो सार्डिन्स है, सैलमन है, दे आर ऑल्सो वेरी गुड सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। तो दीज आर द फूड्स विच आर वेरी गुड फॉर योर आइज। स्पेशल फ्रूट्स जो हमारे आँखों के लिए बहुत अच्छे हैं उसमें बेरीज आते हैं, स्ट्रॉबेरीज, ब्लूबेरीज, ब्लैकबेरीज, एवोकाडो आता है, पपैया, मैंगोज, ऑरेंजेस, दीज आर रिच सोर्सेज फॉर विटामिन ACE, एंटीऑक्सीडेंट्स, पीचेस, गुआवा। सो जितना आप ज़्यादा इंक्लूड कर सकते हो अपने डाइट में उससे अपनी आँखें हेल्दी रहेगी। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छा क्या है वो तो हमको पता चल गया है, अब मेन इंपॉर्टेंट है बुरा क्या है अपनी आँखों के लिए। जंक फूड जो आजकल बहुत कॉमन है अवॉइड करना है जितना हो सके। वी हैव टू हैव अ हेल्दी बैलेंस्ड डाइट, जो बर्गर्स है या फ्रेंच फ्राइज हो गए, पिज्ज़ा हो गए, जो जंक फूड हो गया, दीज आर ऑल वेरी वेरी बैड फॉर योर आइज, उसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल या जो बाकी के जो फैट्स आते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, जो हमारे इन जनरल ब्लड सर्कुलेशन के लिए अच्छा नहीं है और उससे इनडायरेक्टली आइज को भी इफेक्ट होता है। ऑल्सो अल्कोहल इज़ नॉट गुड फॉर योर आइज, अल्कोहल से आँखों में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, सो बी केयरफुल, अल्कोहल को भी अवॉइड करना है जैसे हम स्मोकिंग को अवॉइड करते हैं। नाउ सम अदर जनरल प्रिकॉशंस है, सेफ्टी ग्लासेस, जैसे कोई अगर केमिकल एरियाज में काम करते हैं, केमिकल फैक्ट्रीज में काम करते हैं या हॉस्पिटल इन्वायरमेंट है या जहाँ केमिकल्स बहुत ज़्यादा रिलीज होते हैं,
वहाँ पर सेफ्टी ग्लासेस पहनना बहुत इंपॉर्टेंट है. कोई फैक्ट्रीज में काम करते हैं या कोई स्पेशली प्लेयर्स है हमारे घर में, अगर बच्चे हैं जो स्पोर्ट्स खेलते हैं या स्पेशली कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स है या बॉल वाले जो स्पोर्ट्स है जैसे रैकेट बॉल हो गया, स्क्वाश हो गया, टेनिस हो गया, क्रिकेट है, फुटबॉल है, तो ये सबसे बचने के लिए देर आर प्रोटेक्टिव ग्लासेस जो साइड से अच्छा सा कवर होता है. आपने देखा होगा जो बाइक्स में या हम लोग जो टू व्हीलर्स में भी पहनते हैं. सो अगर हम प्रोटेक्टिव ग्लासेस पहनेंगे तो हम आपको सुरक्षित रख सकते हैं कभी भी इंजरी से. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल्सो ट्राई टू अवॉइड एज मच एज पॉसिबल इच करने से. इचिंग करने से क्या होता है, या रब करने से अपनी आँखों को, इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं. ऑल्सो एलर्जी बढ़ती है. और इन जनरल हम लोग कहते हैं कि जितना आँख को टच करे उतना अवॉइड कर सके उतना अच्छा. कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, दिस इज मोर फॉर लेडीज आई प्रिज्यूम. मुझे कहा गया था कि लेडीज भी शायद ग्रुप में ज्वाइन करेंगे. सो ट्राई टू अवॉइड एज मच ऑफ मेकअप एज पॉसिबल, स्पेशली आई मेकअप अराउंड दी आईज. अगर मेकअप अवॉइड कर सकते हो तो अच्छा है, इन्फेक्शन से बचते हैं. अगर मेकअप अवॉइड नहीं कर सकते हो तो बी केयरफुल. जो भी आप मेकअप जैसे मस्कारा वगैरह आप यूज़ करते हो तो 3 मंथ से ज़्यादा यूज़ ना करें, बिकॉज टिप पे काफ़ी बार बैक्टीरिया जो हम बोलते हैं जंतु वो उस पर लग जाते हैं और वही फिर हमारे आँखों में जाएंगे तो उससे इन्फेक्शन हो सकता है. ऑल्सो जो भी ब्रांड्स आप यूज़ करते हो ट्राई करिए अच्छे वाले ब्रांड्स यूज़ करिए जिससे कि इन्फेक्शन का चांसेस कम हो जाए. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आजकल सभी के घर में ACs आ गए हैं, बाहर जाना कम हो गया है, और AC के एनवायरनमेंट में जब हम घर पे रहते हैं, स्पेशली जैसे लॉकडाउन में अगर पूरा टाइम हम लोग घर पे रह रहे हैं तो एनवायरनमेंट ड्राई हो जाता है. वी गेट लॉट ऑफ ड्राई आइज. ड्राई आइज होने से हमारे आँखें अगर सूख जाती है तो उसके कारण भी हमको ये सब प्रॉब्लम्स आ जाते हैं जो हमने पहले डिस्कस किए, रेड आइज या स्ट्रेन आना या हेडेक आना, आँख में पेन आना. तो उसके लिए ट्राई करना है जितना हम लोग बाहर का जो एटमॉस्फेयर है उससे हम लोग फ्रेश एयर ले सके. अगर वो पॉसिबल नहीं है तो ह्यूमिडिफायर्स मिलते हैं आजकल मार्केट्स में, दे आर वेरी गुड फॉर कीपिंग द एरिया मॉइस्ट. जिससे मॉइस्चर लेवल बढ़ेगा तो उससे भी हमको हेल्प होगा, आँखें में नमी जो रहेगी. ऑल्सो डायरेक्ट जो फोटोग्राफर्स जो हम लोग आजकल फोटोग्राफर स्टूडियोज में वगैरह देखते हैं, जो फ्लैश लाइट आप यूज़ करते हो उसको डायरेक्ट देखने से अवॉइड करिए. डायरेक्ट में सन में देखने से अवॉइड करिए जिससे कि आँखों में प्रॉब्लम आ सकती है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, स्टे हाइड्रेटेड. जब हम लॉन्ग आवर्स काम करते हैं हम स्पेशली भूल जाते हैं पानी पीना. बहुत ही सिंपल चीज़ है लेकिन अगर अच्छे से पानी नहीं पिया जाएगा, एटलीस्ट दिन में हम लोग 2 से 3 लीटर या जो हम बोलते हैं इतने ग्लासेस पानी नहीं पियेंगे तो जो आँखों का जो टीयर फिल्म होता है, जो आंसू का जो लेयर होता है, वो अच्छे से बनेगा नहीं. और अगर टीयर फिल्म बनेगा नहीं तो आँखें हमारी ड्राई रहेगी और जिससे कि ये प्रॉब्लम्स बढ़ सकते हैं. सो ध्यान रखिए, स्टे हाइड्रेटेड, ड्रिंक एज मच ऑफ वाटर एज पॉसिबल. स्लीप वेल, अगेन वेरी बेसिक थिंग बट वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली जब हम इतना ज़्यादा कंप्यूटर पे काम करते हैं तो नींद भी अच्छे से होनी चाहिए. अगर नींद नहीं होगी तो उससे भी आँखों में ये प्रॉब्लम्स बढ़ जाएगी. वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, शेयरिंग ऑफ योर टॉवल्स. काफ़ी बार हम लोग ऐसा होता है जैसे 2 जन है घर में, हस्बैंड वाइफ वगैरह होते हैं तो एक ही टॉवल यूज़ कर लिया. कभी कभी घाई घाई में हम लोग दूसरा नवा टॉवल लेना भूल जाते हैं. लेकिन टॉवल शेयरिंग से एक प्रॉब्लम कभी कभी इन्फेक्शन का हो सकता है. अगर किसी एक को अगर इन्फेक्शन हो तो दूसरे को स्प्रेड हो सकता है या घर में स्प्रेड हो सकता है. सो ट्राई करिए अपना टॉवल खुद यूज़ करिए, दूसरे को ना दो. कॉफ़ी इज़ नॉट गुड फॉर योर आईज, अवॉइड करिए जितना हो सके. उसकी जगह पे ग्रीन टी इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ एंटी ऑक्सीडेंट. सो जितना ग्रीन टी आप यूज़ कर सकते हो यूज़ करिए, ट्राई टू अवॉइड कॉफ़ी. ऑल्सो ध्यान रखिए अपनी फैमिली में जो अगर किसी को डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर ये वगैरह प्रॉब्लम्स हुए हो तो आप में भी ये प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. सो फैमिली हिस्ट्री जानना बहुत इंपॉर्टेंट है. सपोज़ अगर कोई पेशेंट है, कोई फैमिली में हमारे पेशेंट्स है जिनको BP शुगर है या दूसरे जो प्रॉब्लम्स है, लिपिड प्रोफाइल जिसका ज़्यादा है, तो नेक्स्ट जनरेशन जो हम कहते हैं, जो नेक्स्ट पीढ़ी होती है, उनमें ये प्रॉब्लम्स आने के चांसेस होते हैं. सो आप पहले से उसका ध्यान रख सकते हो, रेगुलरली चेक कर सकते हो अपने ब्लड लेवल्स या डॉक्टर के पास जाके ब्लड प्रेशर वगैरह चेक कर सकते हो, सो दैट आप जल्दी उसे डायग्नोस कर सकते हो, मिस ना करो. आपने काफ़ी बार सुना होगा कि पता ही नहीं चला कि डायबिटीज़ है और सडनली एक बार ब्लड टेस्ट किया था या चक्कर आ गया या कोई दूसरा प्रॉब्लम आया और 400 के ऊपर डायबिटीज़ आ गया. सो ये सब तब होता है जब बहुत टाइम तक आपने चेक ना किया हो या आप विजिलेंट नहीं है, आपको पता नहीं है. सो यूजुअली ऐसे सब केसेस तब होते हैं जब हमारे फैमिली में भी कहीं फैमिली ट्री में किसी एक फैमिली मेम्बर को अगर ये प्रॉब्लम्स हुए हो. सो अगर किसी को है सो बी वेरी केयरफुल, आपको भी ये आ सकते हैं. ज़रूर नहीं आना है लेकिन बी केयरफुल और रेगुलर जाँच करते रहिए. जो सालाना जाँच हम बोलते हैं या जो ईयरली चेकअप बोलते हैं, बहुत सारे कंपनीज वगैरह भी आजकल इंश्योरेंस कंपनीज भी कराते ही है, जनरली भी कराते हैं, लैब्स भी कराते हैं. सो गो फॉर अ ईयरली चेकअप सो दैट आपके जो बेसिक जो कॉमन प्रॉब्लम्स है वो चेक हो जाए और पता चले कि हमको ये कोई इश्यूज है कि नहीं.
आंखों के इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स जो मैं लास्ट में ये जो डिस्कस करने वाला हूँ, अगर कभी अगर आपको ये होते हैं तो अर्जेंट में आपको आई डॉक्टर को देखना है. सो उसमें आता है हेजी विजन या जो ब्लर दिखता है, डबल विजन अगर कभी किसी को दो दो दिखे या डबल डबल दिखना कोई कंप्लेन करे तो तुरंत आंखों की जांच करनी ज़रूरी है डॉक्टर के पास जाके. अगर किसी को अगर लाइट लो लाइट में कम दिख रहा है, जैसे कि हम लोग ड्राइव कर रहे हैं या रात में हम ड्राइविंग कर रहे हैं तो हमको कम दिख रहा है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग अगर थिएटर्स में जाते हैं और किसी एक पेशेंट पर्सन को अपनी सीट पहचानना बहुत तुरंत ही हो जाता है, बट आपको अगर अपनी सीट ढूंढने में तकलीफ हो रही है क्योंकि थिएटर की लाइट्स भी कम होती है उस टाइम पे भी अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है या ड्राइविंग में इश्यूज आ रहे हैं, सामने से लाइट आती है जो गाड़ियों की वो आपको सहन नहीं हो रही है, तो उसके लिए भी आँखों की जाँच करनी ज़रूरी है. आँखें अगर लाल बहुत टाइम तक रहती हो तो भी आँखों की जाँच करनी ज़रूरी है. आँखों में पेन बहुत समय तक रहता है या स्वेलिंग रहती है तो फ्लोटर्स अगेन एंड वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम. फ्लोटर्स यानी अगर आप जैसे आकाश में देखते हो या खुले आसमान में देखते हो, आपको मच्छर जैसे ब्लैक कलर के या ग्रे कलर के स्पॉट्स दिखे जो उड़ते हैं या बाल जैसे रेशे जैसे होते हैं वो आँख के सामने ऐसे घूम रहे या उड़ रहे, जैसे आप अपनी आँखें राइट से लेफ्ट में मूव करते हो तो वो भी साथ साथ में घूमेगा. होता कुछ नहीं आँख के सामने बट ये आपको ऐसा लगता है. सो दीज आर द शेडोज विच यू सी, इसको हम लोग फ्लोटर्स कहते हैं. सो अगर आपको ऐसा कोई भी सिम्टम अगर आपको कभी भी लगे तो तुरंत ही आँख की जांच करनी जरूरी है, स्पेशली पर्दे की जांच. फ्लैशेज अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट रेटिना सिम्टम. अगर जैसे आप डार्क रूम में बैठे हो और आपको जैसे बिजली चमकती है वैसे आपको फीलिंग आती है, जैसे बिजली कड़कती है तो कैसे आपको एक फ्लैश जैसा लगता है, उसी तरह आपको ये फील होगा डार्क रूम में आप जब बैठे हो एक जैसे बिजली चमकेगी, या कभी अपने बल्ब जब खराब हो जाते हैं और बंद खोल होते हैं उस तरीके से फ्लैश होगा. तो अगर कभी भी फ्लैश हो तो भी तुरंत ही आंखों की जांच करनी है, स्पेशली रेटिना एग्जामिनेशन. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आईज आर वेरी प्रेशियस, सो टेक केयर ऑफ योर आईज एंड स्टे सेफ. थैंक यू सो मच. आई होप ट्राई टू कवर मैक्सिमम टॉपिक्स आपके जो रिलेटेड है. आई विल बी हैप्पी टू टेक सम क्वेश्चंस जो भी आपको लगे. Actually, the information what you shared, it was like in midway life, we all are facing the same issue. Not audible. Hello. One second, sir. Voice is not coming properly, sir. Hello. Hello. Yeah. Am I audible, sir? Am I audible? Not. One एक second. नहीं इतना clear नहीं है. Hello. Yeah. Hello. Yeah. Is it audible now? Yeah. Now a little better. Yes. Yeah. Right. So like the pointers now what you have shared, so it was really very helpful, and it is like in day-to-day life we are facing the same issue. Everybody is having same problem. So like there are many things like dry eyes, watching a screen for 7 to 8 hours is the minimum time what we practically do every day. Yes. And in this lockdown period, so everybody is used to like watching the screens for around 8 to 10 hours also. Yes. Less sleep is a major issue during this period actually. Yes. If I say personally, even I am facing a problem, like I have a small boil on my eye. Mm-hmm. And I don't know, it is not going. I tried having medicines also. Mm-hmm. There's a boil on right eye. Yes, it's not going. It's not paining, right? It's not paining. Yeah. But it is not going also. Like I tried having the drop. Yeah. This is called chalazion. Yeah, chalazion. हम जो कहते हैं आंजनी जो कहते हैं हम लोग या so आंजनी या chalazion जो होता है they are very tricky because वो आएंगे कम होंगे वापस चले जाएंगे. So उनका tendency होता है recur करने का. जब तक कि वो ज़्यादा तकलीफ नहीं देता है तो normally हम लोग उसे कुछ करते नहीं है. Drops या antibiotics कभी देते हैं doctors अगर उसमें infection हो जाए या sty हो जाए. But उसके अलावा अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है या कॉस्मेटिकली बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, जैसे हम कहते हैं ना बहुत ज़्यादा अगर बड़ा हो गया वटाने की जो दाना होता है उससे भी ज़्यादा बड़ा हो गया या आँख पे प्रेशर बहुत ज़्यादा आ रहा है उससे, तो फिर यस कभी कभी उसको सर्जरी करके निकालना पड़ता है. बट वेरी रेयरली, नॉर्मली हम लोग अवॉइड करते हैं. गर्म पानी का सेक कहने को कहते हैं, आप अच्छे से सुबह शाम गर्म पानी का सेक करिए. और ग्लासेस अगर किसी को है तो ग्लासेस पहनना है. कलेजोन का भी वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न है कॉन्स्टेंट रबिंग ऑफ द आईज, स्पेशली अगर जैसे आप लोग के फील्ड में आप बार बार अगर अपने आईज रब करते हो कंप्यूटर के सामने हम लोग बैठते हैं, तो मैंने वो इसलिए स्लाइड में इंक्लूड किया था बिकॉज हम जैसे ही रबिंग करेंगे बार बार तो इन्फेक्शन के चांस बढ़ते हैं. और उससे भी जो हमारे जो आँखों के जो आई लैशेज होते हैं उसके जो डक्स होते हैं जो गैप होता है वो ब्लॉक हो जाता है और उस वजह से फिर वो सेक्रेशंस वहाँ जमा हो जाते हैं, राइट.
सो ट्राई करिए आंखों को टच जितना हम कम करें उतना अच्छा है, बिकॉज आप अगर आप ध्यान से देखोगे आपके डेस्कटॉप या लैपटॉप्स को, उस पर बहुत सारी धूल होती है, हम लोग बेयरली उसे क्लीन करते हैं और वही वहीं पर हम लोग काम करते हैं, हमारे फिंगर्स वहीं पर पूरा टाइम होते हैं और वही फिंगर से हम लोग आंख को टच करेंगे तो उसे इन्फेक्शन होने के चांस बढ़ जाएंगे। राइट राइट राइट, थैंक यू सर। एनी मोर क्वेश्चंस इफ यू हैव एनी क्वेरी, मतलब किसी को कुछ भी अगर लग रहा है, मतलब जो सर ने पॉइंटर्स दिए हैं वो एक डे टू डे लाइफ का वैलिड पॉइंट्स है, जो भी आज हम लोग कर रहे हैं वो काम में ये चीज डेफिनेटली ध्यान रखना है, सब चीज है। लेकिन अगर इसके अलावा किसी के माइंड में ऐसा है कि नहीं, जो कुछ पॉइंट में कंफ्यूजन है या कुछ है, तो आप पूछ सकते हो। हेलो सर। हाय। हेलो विशाल सर, हाय। आई कांट सी यू। हाय। आई कीप वीडियो। ओके ओके, या या, गो ऑन गो ऑन। यस, तो रोज रात में टियर ड्रॉप्स डालता हूँ आंखों में। ओके, तो क्या वो हार्मफुल है कि नो? जैसे मैंने इंक्लूड किया था देखिए स्लाइड्स में भी, टीयर ड्रॉप्स आर ओवर द काउंटर ड्रॉप्स, आपको बहुत इजीली मिल भी जाते हैं, डॉक्टर्स भी सजेस्ट करते हैं। स्पेशली आप ध्यान रखिए टीयर ड्रॉप्स प्रिजर्वेटिव फ्री हो तो अगर बहुत अच्छा है, प्रिजर्वेटिव्स अगर रहते हैं तो कम टाइम यूज़ करिए, प्रिजर्वेटिव फ्री रहा तो आप लंबे समय तक भी यूज़ कर सकते हैं। एंड अगर आपका प्रॉब्लम ज़्यादा है तो आप जैसे रात में डालते हो एक बार, तो यू कैन इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी, दिन में 2 से 4 बार भी आप डाल सकते हो। एंड स्पेशली नाइट टाइम के लिए जेल्स आर मोर बेटर, बिकॉज ड्रॉप्स की जो ड्यूरेशन होती है वो कम टाइम तक आंखों में रहती है। एंड अगर आप रात में सोने के टाइम पे जेल यूज करोगे तो वो सुबह तक आपको काफी अच्छा सूदिंग इफेक्ट देगा। सो देयर आर लॉट ऑफ दीज लुब्रिकेंट जेल्स अवेलेबल इन द मार्केट, जो आप ले सकते हो आंखों में डालने के लिए, जो नाइट के लिए यूज करना है। दिन में मत यूज करिए, बिकॉज दिन में आप जेल डालोगे तो आपको ब्लर दिखेगा, ब्लरिंग रहेगा। सो दिन ड्रॉप्स यूज करिए एंड रात में आप जेल यूज कर सकते हो अगर प्रॉब्लम ज्यादा है तो। और इसमें दो टाइप के टीयर्स ड्रॉप मिलते हैं, एक आयुर्वेदिक भी मिलते हैं और एलोपैथिक भी मिलते हैं, तो इसमें कंफ्यूजन होता है कि क्या करें। आई एम नॉट द राइट पर्सन टू टॉक अबाउट आयुर्वेदिक मेडिसिंस, आई प्रैक्टिस एलोपैथी, यस दे क्लेम दैट, बट एज एन एलोपैथी डॉक्टर, एज एन ऑफ्थाल्मिक सर्जन, आई यूजुअली अवॉइड पीपल, टेल देम टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ दीज आयुर्वेदिक मेडिसिंस, हमको पता नहीं है उसके कंटेंट्स क्या है, सो आई एम नॉट द राइट पर्सन फॉर दैट। यस दे क्लेम उससे फ़ायदा होता है, बट हमको अगर पूछोगे तो हम नॉर्मली एलोपैथी के बारे में ही बोलेंगे। अवॉइड करिए, बिकॉज कंटेंट्स पता ना हो तो फिर यू आर नॉट श्योर व्हाट यू आर पुटिंग इनसाइड द आई। एलोपैथी क्या होता है, यू हैव द कंटेंट रिटन देयर ऑलरेडी, उसमें सब कुछ लिखा होता है, यू कैन जस्ट गूगल बैक, यू विल नो CMC लिखा होगा तो आपको पता है, इट्स अ लुब्रिकेंट, इट्स वेरी सेफ फॉर द आईज। बेसिकली टीयर ड्रॉप्स में होता क्या है, इट इज़ जस्ट जो हमारे आंसू जो होते हैं आँख में, जो टीयर फिल्म होता है, वही उसका सेम कॉन्सेंट्रेशन या सेम फॉर्मूला हमने बॉटल में भर के उन्हें देते हैं। सो ये जो टीयर ड्रॉप्स होते हैं बेसिकली अपने आँखों का जो आंसू का लेयर होता है वो सेम कॉन्सेंट का होता है, सेम pH का होता है, सो इट इज़ वेरी सेफ फॉर द आईज। ओके, दूसरा क्वेश्चन ऐसा था, फ्रॉम लास्ट 14 to 15 years मेरा जो नंबर है वो सेम नंबर है, कॉन्स्टेंट, चेंज नहीं हुआ है। Okay. So it's fine for me. Okay है कि कुछ problem है? नहीं नहीं, see numbers जो है ना usually 18 to 20 years, 21 years तक बढ़ते रहते हैं। जब अपनी height बढ़ती है, जब हमारा physical structure बढ़ता है, उसी तरीके से आँख में भी अंदर growth होती है। So after 18 or 20 usually numbers बढ़ते नहीं है। So around say 20 age से लेके around 40 age तक आपको normally numbers same रहेंगे, distance के numbers specially। 40 के जो बाद है, जो 40 प्लस है, उनमें जो बेताली नंबर जो हम बोलते हैं या जो नज़दीक के नंबर आते हैं, प्रेस बायोपिया जो हम लोग कहते हैं, सो वो एक आपको एडिशन आ सकता है, जो उसके लिए आपको वो जो चश्मे, जो बाईफोकल ग्लासेस जो कहते हैं, वो यूज़ करने होते हैं। बट डिस्टेंट नंबर यूजुअली ज़्यादा चेंज नहीं होते, यहाँ वहाँ आधा पौना नंबर चेंज होगा, बट यूजुअली ज़्यादा चेंज नहीं होता है। थैंक यू। होम रेमेडीज अगर जो यूज़ करते हैं लाइक आई ड्रॉप्स के अलावा, जो सिलिकॉन जेल्स, अगर आप केमिस्ट के पास जाओगे ना तो गॉगल्स की तरह सिलिकॉन के जेल आते हैं, एंड वो जेल है ना बेसिकली आप अगर फ्रिज में रखोगे साइड डोर में ठंडा करने के लिए, एंड देन उसके बाद आप अगर आप आंख में, जैसे आप थक के आए हो या बहुत टाइम अपने कंप्यूटर में काम किया हो
उसके बाद वो कोल्ड जो जेल होता है वो आंखों पे पहन लो आप, जैसे ग्लासेस पहनते हैं उस तरीके से. सो 5-10 मिनट्स में यू विल गेट लॉट ऑफ रिलीफ. सो दीज आर स्मॉल स्मॉल थिंग्स. ककुम्बर रख लेते हैं. काफी पुराने जमाने में वो आई कप्स होते थे, पानी भर के आप वो आंख में रखते थे, बट अभी आजकल यूज नहीं करते बिकॉज आंखों के अंदर नहीं जाना चाहिए. स्पेशली ऑल्सो वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू इज मॉर्निंग में जो हम उठ के आंखों में छालक मारते हैं, जो आई थिंक वो बहुत कॉमन हैबिट है, शायद सभी लोग करते भी होंगे. वी टेल देम टू अवॉइड दीज थिंग्स. प्रेफरेबली अगर आंखों में छालक ना मरे तो अच्छा है. यू कैन जस्ट मे बी टेक सम वाटर इन योर हैंड्स एंड जस्ट अप्लाई ओवर द आईज, बट आंखों के अंदर ऐसे फोर्सफुली छालक ना मरे. Okay. Even honey can be used? No, no, not inside the eye. Never. No, outside area. Outside like, area for the skin, you mean? Yeah. For the skin, yes, but you have to be very careful. हो आँखों में भी ना जाए, ना ही आँखों की जो eyelashes होती है या जो पलक होती है उस पर भी ना लगे, because again honey is a sweet thing and it's a source of infection. Again, वो बाहर से कोई भी अगर चीज अगर हम आंखों में डालेंगे तो उसके ऊपर बैक्टीरिया मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एंड मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे इन्फेक्शन हो सकता है. सो इफ यू वांट टू यूज समथिंग फॉर योर स्किन, इसलिए मैंने मेकअप का भी जो स्लाइड रखा था वाज बेसिकली फॉर दैट. हम लोग सोप यूज कर लेते हैं, फेस वॉश यूज करते हैं या कोई भी जो केमिकल्स यूज करते हैं, ट्राई टू सी दैट वो हमारी आंखों में ना जाए, बिकॉज दे आर इरिटेटिव. उनका पीएच लेवल अच्छा नहीं होता है, उससे हमको आंख में केमिकल इंजरीज भी हो सकती है. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. आंखों के अंदर नहीं जाना चाहिए, स्किन में यूज कर रहे तो इस फाइन. ओके, थैंक यू डॉक्टर विशाल. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. आई हैव वन क्वेश्चन फॉर यू. सो व्हेन बेसिकली व्हेन देयर इज अ न्यू बॉर्न बेबी और टिल द चाइल्ड इज क्वाइट यंग, या उनका आंख देखो इट्स मींस सफेद रहता है, मींस पीपल्स के आजू-बाजू में सफेद रहता है, तो एज वी ग्रो ओल्ड थोड़ा सा येलोइश तरीके का हो जाता है. सो दैट इज ड्यू टू व्हाट, एज और योर फूड? येलोइश एज इन आप जो व्हाइट पार्ट जो बोल रहे हो वहां पर ना, किसी के बाजू वाला? हां, यस यस, के बाजू वाला ना. उसके बहुत सारे कारण है उसमें. अगर जैसे कोई लोग को बहुत ज्यादा एक्सपोजर होता है सन से, या हीट में जाते हैं, डस्ट में जाते हैं, बाहर का काम ज्यादा होता है, तो उनमें एक हल्की सी परत बनती है आंखों के चमड़ी के ऊपर, एक एक्स्ट्रा ग्रोथ होता है जिसे हम लोग पिंगेकुला या टेरिजम कहते हैं. सो वो अगर बहुत अर्ली स्टेज में होता है तो वो एक येलोइश टिंच देगा, कभी कभी लाल हो जाएगा वो एरिया. या आप देखोगे इवनिंग टाइम में जैसे आप बाहर से आए हो तो आंखें थोड़ी सी लाल हो जाएगी, फिर आप वापस सो जाओगे, अगले दिन वापस वो ठीक हो जाएगा. सो दीज आर द एरियाज जहाँ पर वो बाहर का डस्ट या एक्सपोजर या सन का हीट ज़्यादा होता है, तो उसके वजह से ये पिंगेकुला बनता है. अगर वो बहुत ज़्यादा एक्सपोजर बढ़ जाएगा तो वो ग्रो कर सकता है, एंड फिर वो एक चमड़ी जैसा बनता है, हम जिसे वेल कहते हैं कॉमन लैंग्वेज में, और वो चमड़ी बन के फिर कीकी के ऊपर आता है, तब उसे वो टेरिजम या वेल कहते हैं, जिसका फिर कभी कभी उसका ऑपरेशन करके निकालना पड़ता है. बट अदरवाइज यूजुअली दिस माइल्ड येलोइश थिंग या रेडनेस वो नॉर्मली सिंपल ड्रॉप से भी कम हो जाता है, या आप रेस्ट लेते हो, हाइड्रेशन वगैरह अच्छा है, आप ड्राई आइज को अवॉइड करते हो जैसे मैंने जो स्लाइड्स दिए थे प्रिवेंटिव के, तो उस सब से ये कम हो जाता है. और जो रेडनेस वगैरह हो जाता है कभी कभी आंख में या वो वेंस ऐसे दिखते हैं रेड हो गए, तो वो किस कारण से? स्ट्रेंस की वजह से? वेंस दिखना इज नॉर्मल, ऐसा नहीं है कि वेंस दिखना इज अबनॉर्मल, बट अगर बहुत ज्यादा दिखने लग गए या आंखें बहुत ज्यादा लाल हो गई है, उसके साथ आंख में दर्द हो रहा है या आंख में पानी निकल रहा है, या वो जो डिस्चार्ज कहते हैं पिच निकलता है ना, जो कहते हैं येलोइश डिस्चार्ज या चिकना पानी होता है वो निकलता है, तो यस आंखों की जांच करनी जरूरी है. तो इट कैन इंडिकेट इन्फेक्शन, माइल्ड इन्फेक्शन अगर होगा, जैसे आंखें आ जाती है हम बोलते हैं, या कंजंक्टिवाइटिस हो गया, या फिर अगर एलर्जी होती है तो होता है, तो बार बार आपको खुजली होगी आंखों में. बॉम्बे में या मोस्ट ऑफ द प्लेसेस जहाँ पर बहुत ज्यादा पोल्यूशन है या डस्ट ज्यादा है, तो एलर्जी का भी प्रॉब्लम रहता ही है. सो आपको आंखों में भी इचिंग रहेगी, इसीलिए प्रोटेक्टिव ग्लासेस जो मैंने कहे थे स्लाइड्स में वो और बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर आप लोग टू व्हीलर्स में जा रहे हो और एक्सपोजर ज़्यादा होता है बाहर, जब निकलते हो आप कॉल के लिए जाते हो या आपका कोई वेडिंग या कोई और ये है ऑर्डर्स है, तो उस टाइम पे ध्यान रखना है कि जो बाहर का जो क्लाइमेट है वो ज़्यादा आँख को ख़राब ना करे. उसके लिए प्रोटेक्टिव वेयर अगर आप पहनोगे, गॉगल्स आते हैं जो आप पहनते हो, जैसे कोई भी अच्छे ब्रांड के आप यूज़ कर सकते हो. अच्छा, सोराइज में क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए? सोराइज या कंजंक्टिवाइटिस जो है, जो हम मैंने जैसे डिस्कस किया था, फर्स्ट थिंग इज अगर वो आपको डाउट है तो पहले तो डॉक्टर के पास दिखाना है. वो एंटीबायोटिक स्टार्ट करेंगे, आपको ड्रॉप्स देंगे, तो एंटीबायोटिक्स डालनी है. लेकिन उसके साथ साथ मेन जो प्रिकॉशंस लेने हैं वो मैंने ऑलरेडी इंक्लूड किए थे. टॉवल्स आपको शेयर नहीं करने हैं, आपके जो रुमाल वगैरह होते हैं,
आपके क्लोथिंग सब कुछ सेपरेट रखिए सो दैट आपके जो घर के जो बाकी मेंबर्स है उनमें स्प्रेड नहीं होगा. दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. सोराइज में ऑल्सो क्या होता है कि बार बार आंखों में से पानी निकलते रहता है. सो अगर आप वो बार बार आंखों को टच करोगे और यहाँ वहाँ लगाओगे या दूसरे किसी को जब टच करते हो तो उनको भी ये एक्सपोजर हो सकता है. उसके साथ साथ जो गॉगल्स वगैरह जो बोलते हैं वो काले वाले चश्मे पहनना है इज नॉट फॉर अदर्स बट मोस्टली क्या होता है सोराइज से आपकी आंखें है ना बहुत सेंसिटिव हो जाती है. सो अगर आप वो गॉगल्स पहनते हो तो आपको थोड़ा सा कूलिंग इफेक्ट लगेगा या आपको थोड़ी ठंडक लगेगी उसके लिए होता है. बट बेसिकली सोराइज आर नॉट वेरी डेंजरस. आप यूजली 3 to 5 days, 7 days का कोर्स करते हैं तो नॉर्मली वो हील हो जाता है. ध्यान ये रखना है कि दूसरों को ना हो. ओके और एक आईज का पीपल के नीचे या ऊपर ज्यादा करके नीचे रहता है एक बॉइल सरीगा आ जाता है. हाँ वो क्या है? हाँ मैंने अभी जो डिस्कस किया था वो चेलेजन जो होता है या जो आंख में जो एक एक दाने जैसा हो जाता है एक आंख के अंदर नहीं आईलिड के ऊपर. हाँ आईलिड के ऊपर ही. यस यस इट इज ऑन द आईलिड्स ओनली बट इट इज इनसाइड द स्किन अंदर की तरफ होता है वो. उसको कलेजन कहते हैं. वो नॉर्मली ज्यादा पेन नहीं करता है और वो आप गर्म पानी का सेक कर दीजिए या कभी कभी अगर उसमें इन्फेक्शन हो जाए तो उसे हम स्टाई कहते हैं. तो उसके लिए हम लोग एंटीबायोटिक्स वगैरह ट्रीटमेंट देते हैं. बट नॉर्मली अगर चलेजन छोटा है तो उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है. अगर ज्यादा बड़ा हो जाए मतलब साइज उसकी बहुत बड़ी हो जाए तो कभी कभार उसको ऑपरेशन करके निकालना पड़ता है. नहीं नहीं और एक चीज है ना वो जो एक वीक के अंदर आ जाता है आईलिड्स का भी ऊपर ही और वो चला जाता है थोड़ा सूजन सरीके हो जाती है. हां दैट इज स्टाई. दैट इज जो हम लोग इन्फेक्शन कहते हैं स्टाई. ओके हां दैट इज स्टाई जो इन्फेक्शन होता है. दैट इज लाइक जैसे आपके स्किन में कभी अगर फुंसी हो गई बॉइल हो गया. हां उसी तरीके से आंखों में जो आईलैशेस होते हैं ना अपने जो आंखों पे उसके जो सेक्रीशंस होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं तो उसकी वजह से अंदर इन्फेक्शन होता है. सो इट इज जस्ट सेम एज जैसे बॉडी में कहीं पर भी आपको अगर फुंसी या दाना हो गया या इन्फेक्शन हो गया उसी तरीके से आंख में भी वो हो सकता है जो आंख की जो आईलैशेस होती है उसके ऊपर. तो उसके लिए एंटीबायोटिक कोर्स कर लेना है और वो नॉर्मली कम हो जाता है. बहुत रेयरली अगर बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है बहुत ज्यादा पेन हो रहा है स्वेलिंग और फूट नहीं रहा है जैसे हम कहते हैं ना हमको जानबूझ के उसको फोड़ना नहीं है. ध्यान रखना है कि अगर ऐसा स्वेलिंग आता है तो बहुत लोग जैसे घरेलू उपचार होता है एक सेफ्टी पिन या सुई ले ली और उसको फोड़ देते हैं पस को निकाल देते हैं. वैसा खुद से कुछ नहीं करना है. डॉक्टर के पास जाना है. डॉक्टर नॉर्मली उसको एंटीबायोटिक्स और ड्रॉप्स ही देते हैं. अगर फिर भी वो नहीं अपने आप से फूटता है तो वो लोग फिर एक हल्का सा एक प्रोसीजर छोटा सा प्रोसीजर होता है उसको निकाल के उसमें होल्ड करके उसको डिस्चार्ज को निकाल देते हैं. ओके बट इट हैज टू बी डन स्ट्रिक्टली अंडर डॉक्टर्स गाइडेंस. खुद से घर पे नहीं निकालना है उसे. ओके अच्छा कमिंग बैक टू द फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट आई आस्क्ड रिगार्डिंग दैट येलोनेस ऑफ द आईज. किसी को जॉन्डिस वगैरह हो गया रहेगा तो उसके बाद वो पीला होता है उसके बाद वो कांस्टेंट रह जाता है. नहीं नहीं ऐसा नहीं. इट टेक्स लॉन्ग टाइम टू गो बट यस जॉन्डिस या जो बॉडी के दूसरे प्रॉब्लम्स है ना उसके वजह से भी आईज में कभी कभी येलोइश कलर डिस्कलेशन आएगा. किसी को थोड़ा बहुत हल्का बहुत ब्लू कलर भी आता है बट दीज आर मोस्टली सिस्टमिक रिलेटेड जैसे जॉन्डिस है या कोई और दूसरे प्रॉब्लम्स है. बट वो एज जॉन्डिस वगैरह ठीक हो जाएगा तो धीरे धीरे वो कलर जाएगा बट इट टेक्स टाइम. यस ओके थैंक्स अ लॉट डॉक्टर. या वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. हेलो आज एक मेरा मैं एक बोल लेता है क्वेश्चन पूछना है सर. आज के तारीख में चाइल्ड फोटोग्राफी न्यू बॉर्न फोटोग्राफी बहुत ट्रेंड में है. Yes. तो मेरा मेजर सवाल ये था कि अगर न्यू बॉर्न शूट हम लोग कर रहे हैं तो जब छोटा बच्चा उसके लिए हम लोग फ्लैश यूज करते हैं कभी कभी. Yes. हम लोग डेफिनेटली बहुत एकदम पास से नहीं करते हैं डिफ्यूज सोर्स यूज करते हैं बड़ा लार्ज वाला. तो इनकेस ये एडवाइजेबल है क्या यूज करना मतलब लाइट अगर हम लोग फ्लैश. फोटोग्राफर्स अगर आप लोग न्यू बॉर्न बेबी की फोटोग्राफी करते हो तो फ्लैश एज सच उतना हार्मफुल नहीं होता है अगर आप थोड़े सा फोटोज आप लेने वाले हो. बट अगर आप कॉन्स्टेंट फ्लैश यूज करने वाले हैं तो यस बच्चे को बेसिकली थोड़ा स्ट्रेन आएगा आईज पे. सो स्ट्रेन आएगा तो बेसिकली बेबी विल बिकम अ लिटिल क्रैंकी बिकॉज वो जो स्ट्रॉन्ग लाइट जो आती है आंखों में सिंपल है. जैसे अगर हमारे ऊपर भी अगर किसी ने फ्लैश डाला अगर आंखों पे तो कैसे आपकी आंखें बंद हो जाएगी. हमको थोड़ा सा स्ट्रेन आएगा. सेम वेज बेबीज को भी हो सकता है बट इसके अलावा बहुत ज्यादा सीरियस इश्यूज नहीं होते. इट्स जस्ट दैट कि उनका कोऑपरेशन थोड़ा कम हो जाएगा. सो वी हैव टू बी अ लिटिल केयरफुल विद दैट. क्योंकि बहुत मेजर टाइम ना मतलब बहुत टाइम से दिमाग में सब लोगों के था कि 3 months तक ना बेबी शूट पहले होता नहीं था अपने आप में. आजकल होने लगा है. यस यस 6 months और 1 year पे ही नॉर्मली करते हैं इतने छोटे बच्चों में तो वी आल्सो डोंट. पर अभी सर ट्रेंड आ गया है कि 10 टू 15 डेज के अंदर न्यू बॉर्न बेबी शूट होता है. बट इन दैट केस तो डेफिनेटली वो बेबी स्लीपिंग मोड में ही होता है ज्यादातर. वो सोया ही होता है. Yes. Babies if they're sleeping, they open their eyes less also and try to avoid flash as much as possible. Jitna aap avoid kar sakte ho. Kabhi kabhar agar flash mein lena pade to that should be fine. Okay. Okay. Thank you. Thank you. Acha
बच्चा डॉक्टर का जो भी फोटो निकालते हैं डॉक्टर सॉरी वो कितने साल तक उन फ्लैश नहीं यूज करना चाहिए उनके उनके उम्र के हिसाब से 2 साल तक के 1 साल के अंदर नहीं इट्स नॉट लाइक दैट सी 6 मंथ्स टू 1 ईयर के बाद तो अगर हम लोग फ्लैश यूज भी करें तो ऐसा इशू नहीं है वी टेल पेशेंट्स के जितना आप अवॉइड कर सकते हो उतना अच्छा है बट कभी कभार अगर थोड़ा बहुत फ्लैश आप यूज करोगे तो दैट शुड बी फाइन नॉट अ प्रॉब्लम ऐसा कि नहीं उसने तभी सहन कर लिया बाद में उसको लाइफ में प्रॉब्लम हो सकता है ऐसा कुछ तो नहीं है नहीं प्रॉब्लम्स आते हैं यूजली जब इंफ्रारेड या अल्ट्रावायलेट रेज जो जाते हैं आंखों में उससे प्रॉब्लम आते हैं नॉर्मली अपने वाले जो कैमरा के आपके फ्लैश आए प्रिज्यूम उसमें वो सब रेज नहीं आते सो उससे ये प्रॉब्लम नहीं आता है अल्ट्रावायलेट एक्सपोजर है या सन का डायरेक्ट एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है तो उससे हो सकता है जैसे आप वेल्डिंग के जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं उसकी जो लाइट जो जाती है उससे ज़्यादा होता है फ्लैश फोटोग्राफी से उतना ज़्यादा नहीं होता है वी ऑल्सो यूज फ्लैश इन आवर इंस्ट्रूमेंट्स हम लोग भी यूज़ करते हैं सो वी डू फॉर स्मॉल बेबीज प्रीमेच्योर बेबीज ऑल्सो हम लेते हैं बट व्हेन रिक्वायर्ड लिटिल बिट यूज करना है जितना हो सके कम यूज करना है फॉर स्मॉल बेबीज वेरी स्मॉल बेबीज 6 मंथ्स टू 1 ईयर हेलो हेलो हाँ सर आपने फ्लोटर्स के बारे में कहा था yeah. फ्लोटर्स आते हैं तो उसके रीजन क्या होता है फ्लोटर्स आने का फ्लोटर्स बेसिकली इज मोर ऑफ एज रिलेटेड फिनोमिनन जैसी देर आर बेसिकली मल्टी कॉजेज लेकिन उसमें से जो मेन कॉज है वो एज है जैसी हम एज करते हैं 35, 40, 45 जैसी हमारी एज होने लगती है तो लेंस और रेटिना के बीच में अपने आँखों में एक पानी होता है जेल जिसे हम कहते हैं विट्रियस जेल सो वो जो जेल होता है वो धीरे धीरे पतला होने लगता है और जैसे ही वो जेल पतला होता है तो वो यूजुअली यंग एज में पर्दे के साथ अच्छे से चिपका हुआ होता है और जैसे ही वो पतला होने लगता है तो पर्दे से वो थोड़ा सा अलग हो जाता है छूट जाता है और पर्दे से अलग होके वो बाद में फ्लोट करने लगता है आँखों की कैविटी में सो इफ यू वॉन्ट वेट आई जस्ट आर यू सीइंग माई प्रेजेंटेशन करेंटली या सो No, sir. Actually, screen sharing is off right now. Screen sharing is off. Okay, okay, fine. Okay, fine. So basically, अगर जैसे आपने ध्यान से देखा होगा मेरा जो आई का जो मैंने एनाटॉमी बताया था उसमें लेंस और रेटिना के बीच में एक जेल होता है विट्रियस तो वो जैसे ही अलग हो जाएगा एज के हिसाब से तो वो पतला हो जाएगा और वो उसी के शेडो जो होता है वो हमारे रेटिना पे पड़ता है आँख जो अंदर जाती है वो पानी से टकराती है और उसका जो शेडो है वो रेटिना पे पड़ता है और वही जो शेडो इफेक्ट होता है वो आप देखते हो एज फ्लोटर्स और बिकॉज आईज अ राउंड स्ट्रक्चर और वो पानी है तो आँख के अंदर वो घूमते रहता है जैसे आप आईज मूव करोगे राइट टू लेफ्ट साथ साथ में वो जेल भी मूव करेगा एंड इसी के वजह से वो फ्लोटर्स भी मूव करते हैं आपकी आंखों के सामने द अदर रीजन फॉर फ्लोटर्स इज जिनको बहुत ज़्यादा नंबर्स होते हैं सपोज माइनस में बहुत ज़्यादा नंबर्स हो तो उनको भी ये फ्लोटर्स जल्दी आ जाते हैं एज में यूजली जो फ्लोटर्स होते हैं वो उतने ज़्यादा रिस्की नहीं होते हैं फ्लोटर्स 90-95% ऑफ टाइम्स आर वेरी सेफ फ्लोटर्स आते हैं तो पर्दे की जांच करनी बहुत ज़रूरी है जो रेटिना स्पेशलिस्ट होते हैं वो आपके पर्दे का जो पेरीफेरी होते हैं उसको अच्छे से चेक करते हैं टू रूल आउट कोई पर्दे में होल या काने हो ना गए हो अगर होल्स हो जाते हैं तो उसको अर्जेंट ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है उसको लेज़र करके हम लोग बंद करते हैं लेकिन 90-95% ऑफ द केसेज में होल्स नहीं मिलते हैं वेरी रेयरली 3-5% केसेज में पर्दे में होल मिलते हैं तो उन होल्स को अगर हमने ट्रीटमेंट टाइम पे नहीं किया तो रेटिनल डिटैचमेंट हो सकता है या हम जो कहते हैं पर्दा फट जाता है जिसके लिए फिर हमको ऑपरेशन करना पड़ता है वो बड़े ऑपरेशंस होते हैं मेजर ऑपरेशंस जिनके फिर विजुअल सक्सेस रिजल्ट्स भी कम होते हैं आंखें पहले जैसी नॉर्मल कभी नहीं रहेगी जैसे मैंने पहले भी कहा था मेरे प्रेजेंटेशन में सो इसके लिए अगर फ्लोटर्स होते हैं फर्स्ट टाइम इन लाइफ ऑलवेज गेट योर आईज चेक्ड एक बार कंप्लीट रेटिना एग्जामिनेशन जो हम ड्रॉप्स डाल के करते हैं वो इंपॉर्टेंट है ना कि सिर्फ आँख के डॉक्टर के पास गए उन्होंने नंबर चेक कर लिया और भेज दिया दैट इज़ नॉट योर कंप्लीट आई एग्जामिनेशन यू हैव टू गेट योर आईज डायलेटेड आँखों में ड्रॉप्स डाल के जो बैठते हैं आधा एक घंटा उसके बाद जो फिर से चेक होती है उसको हम पर्दे की जांच कहते हैं सो पर्दे की जांच करने के बाद अगर आप डॉक्टर ने कहा है कि आपको सिर्फ फ्लोटर्स है पर्दा सही है तो यू डोंट नीड टू वरी फ्लोटर्स रहेंगे आँखों में बहुत साल तक रहते हैं बहुत महीनों तक रहते हैं उसका कुछ खास इलाज करने की ज़रूरत नहीं है फ्लोटर्स आमने सामने घूमते रहेंगे यू हैव टू स्टार्ट एडजस्टिंग टू द फ्लोटर्स आपको उसको निग्लेक्ट करना सीखना है अगर आपका आई नॉर्मल है आपका पर्दा सही है उसमें होल्स नहीं है सो डोंट वरी अबाउट फ्लोटर्स फ्लोटर्स सामने आएंगे बहुत टाइम तक रहेंगे भी लेकिन आपको उसको स्लोली निग्लेक्ट करना है सो सामने रहे तो भी आपको उसको ध्यान नहीं देना है जैसे अगर इफ़ यू कैन सी मी आई जस्ट शो यू अ सिंपल नॉट एन एक्सरसाइज बट अ सिंपल ट्रिक जैसे इफ आई एम कीपिंग अ फिंगर इन फ्रंट ऑफ मी
अगर मैं फिंगर को ही देखूंगा तो मुझे फिंगर ही दिखेगा, सामने का ऑब्जेक्ट ब्लर दिखेगा बिकॉज आई एम कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द फिंगर. अगर मुझे जो फोकस करना है, सपोज सामने की दीवार मुझे देखनी है और ये फिंगर भले सामने भी हो, इफ आई एम लुकिंग एट द फार ऑब्जेक्ट तो मुझे धीरे धीरे ये फिंगर दिखना नहीं होगा, ये मुझे नड़ेगा नहीं. तो इसी हिसाब से फ्लोटर्स भी जो है ये अपने सामने घूम रहे हैं, जो ऑब्जेक्ट आपको सामने देखना है अगर आप उसके ऊपर ध्यान रखोगे तो फ्लोटर्स धीरे धीरे आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे उतना. ओके यस सर, ये आपने जो कहा वो मैंने एक्सपीरियंस किया है. मुझे 2-4 महीने के बाद एक आध बार 1-2 मिनट के लिए ऐसे आते हैं फ्लोटर्स. यस, लेकिन जैसे मैं दूर देखता हूँ वो निकल जाते हैं ऐसे. यस यस, हाँ उनके साथ देखते रहता हूँ तो कुछ महसूस होता है 1-2 मिनट. यस, बाद में वो निकल जाते हैं. हाँ, सो बेसिकली क्या होता है, बेसिकली फ्लोटर्स कहीं जाते नहीं है, वो तो आपके आँख का पानी आँख के अंदर ही है, लेकिन okay. आपको नड़ते नहीं है बिकॉज आपके सामने नहीं घूमते. आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है, जैसे आपको काम करना है कुछ फोटोग्राफी या कहीं पर आप देख रहे हो, जैसे डिस्टेंट फोटोग्राफी आप करते हो या कहीं लॉन्ग ऑब्जेक्ट्स का कर रहे हो, आपके अगर वो सामने आ रहा है, अगर आप उसी के ऊपर आप ध्यान करोगे फ्लोटर्स के ऊपर, तो आपको जो सामने देखना है वो आपको ब्लर दिखेगा, आपको ठीक से दिखेगा बिकॉज जो फोकल लेंथ होती है, जैसे आप फोटोग्राफर्स हो तो आपको पता है फोकल लेंथ का इंपॉर्टेंस, हम उसके ऊपर जहाँ कॉन्सेंट्रेट करते तो ही वो इमेज क्लियर आने वाला है. तो अगर आप फ्लोटर के ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट करोगे तो सिर्फ आपको फ्लोटर ही दिखेगा, आपको सामने का ऑब्जेक्ट ठीक से दिखेगा नहीं. सो यू हैव टू ट्राई टू इग्नोर द फ्लोटर, निग्लेक्ट करना है उसे एंड सामने देखते रहना है, जो आप काम करते हो उसको करते रहना है, सामने आते रहेंगे बीच बीच में. सो स्लोली एंड स्लोली यू विल स्टार्ट एडजस्टिंग द फ्लोटर्स, फिर उतना आपको तकलीफ नहीं देंगे. ओके थैंक यू. ऑल्सो डॉक्टर्स समटाइम्स इसके लिए टैबलेट्स भी देते हैं, एंटी ऑक्सीडेंट टैबलेट्स देते हैं, दे हेल्प इन सर्टन वेज, बहुत ज्यादा हेल्प नहीं करते यस, बट थोड़ा उसकी इंटेंसिटी कम करने में आपको हेल्प करते हैं. सो कभी कभी हम लोग टैबलेट्स देते हैं उसके लिए एंटीऑक्सीडेंट्स, अगर फ्लोटर्स बहुत तकलीफ देते हैं. वेरी वेरी एयरली अगर फ्लोटर्स बहुत ज्यादा परेशान करते तो ही ऑपरेशन करके फ्लोटर्स निकालते हैं, यूजुअली फ्लोटर्स के लिए ऑपरेशन नहीं करते. थैंक यू. ओके, मैंने लेजिक ऑपरेशन कराया था अभी, आई थिंक 4-5 साल हो गए, तो फ्यूचर में हम रिलेटेड वापस आ सकता है या ऐसे कुछ है? See, if the LASIK is done very nicely, properly, एकदम standard अच्छे से, शंकर आया हॉस्पिटल में ही हुआ था. Okay, okay. तो अगर LASIK अच्छे से किया गया है तो you should not worry much, क्योंकि आपका numbers अभी, जैसे अभी आपकी एज कितनी है? Around 28. So yeah. as I told you, 20 से 40 के बीच में normally आपके numbers ज़्यादा change नहीं होते. So LASIK भी जो है normally 20-21 के बाद ही हम लोग suggest करते हैं. जब 1-1.5 साल तक आपका नंबर बड़ा नहीं हो, नंबर चेंज नहीं हुआ हो, उसके बाद ही लेसिक कराना होता है. सो आई प्रिज्यूम अगर आपने वो सब ध्यान से प्रोटोकॉल्स फॉलो किए होंगे और उसके बाद लेसिक किया होगा तो यूजुअली वापस से नंबर आने के चांसेस नहीं होते. वेरी रेयरली नंबर वापस आते हैं, अगर कोई कॉर्निया के प्रॉब्लम होते हैं या एबनॉर्मल मायोपिया जो कहते हैं हम लोग, पैथोलॉजिकल मायोपिया, तो नंबर आ सकते हैं, बट यूजुअली डिस्टेंट के नंबर नॉर्मली नहीं आते. यस, 40 के बाद जैसे मैंने कहा नजदीक के नंबर्स थोड़े आ सकते हैं, उसके लिए आपको नियर ग्लासेस जो बोलते हैं वो पहनने आपको जरूरी होंगे जब नियर वर्क करते हो. कोई ऐसे कुछ प्रिकॉशंस या कोई चश्मे पहनने जो एंटी ग्लेयर या वैसे कुछ जरूरत नहीं है? नहीं नहीं, नॉट रियली. एंटी ग्लेयर और एंटी रिफ्लेक्टिव ग्लासेस वो सब इन जनरल आपको हेल्प करेंगे, बट नंबर आना या ना आना उसके लिए बाहर के प्रिकॉशंस इंपॉर्टेंट नहीं है. उसके लिए आपको बेसिकली आपकी आंख हेल्दी होनी चाहिए. जब आप ऑपरेशन कराए हो उस टाइम पे अगर आपका कॉर्निया का जो थिकनेस है, हम लोग जो बोलते हैं कीकी की जो थिकनेस होती है, कर्वेचर होता है, वो नॉर्मल होना चाहिए. आपके रेटिना में कोई प्रॉब्लम, होल्स नहीं होने चाहिए. अगर वो सब आपने फॉलो किया है, आपके 1-1.5 साल तक नंबर चेंज नहीं हुए, उसके बाद आपने लेसिक कराया हो, अगर आपने ये सब प्रोटोकॉल्स फॉलो किए तो यूजुअली आपको वापस से दूर के नंबर्स आएंगे नहीं. यस, 40-50 के बाद क्या होता है, धीरे धीरे सभी को 50 के बाद अगर मोतिया थोड़ा बहुत आने लग गया 50-55-60 में, तब आपको फिर से दूर के नंबर्स थोड़े चेंज हो सकते हैं. यस, उसके अलावा यूजुअली 20-50 के एज में आप डिस्टेंस से तो नॉर्मली एकदम फ्री रहोगे, कोई इशू नहीं आएगा. ओके थैंक यू. या विशाल सर, रोशन रोशन बोल रहा हूँ. है हाय, मुझे एक प्रॉब्लम था कि यानी कि ये डेली बेसिस पे नहीं हो रहा है, यानी कभी कभी जब भी हम फंक्शन पे शूट करने जाते हैं फोटोशूट, एंड दैट टाइम कभी कभी गर्मी ज्यादा होती है तो फ्लक्चुएशन है सेकंड, माइक्रो सेकंड. एक बार अपना जैसे कैमरे में कैसे फोकस डी फोकस हो जाता है, वैसे आंखों में भी फोकस डी फोकस हो गया, क्लियर होता है. हाँ, तो ये चीज क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा. इफ यू हैव सीन माय प्रेजेंटेशन बहुत ध्यान से, मैंने आपको ड्राई आईज के बारे में जो सब बताया था
उसमें ह्यूमिडिफायर्स एंड जो हमारे जो आजू बाजू का जो सराउंडिंग जो एयर होता है वो अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होता है या ह्यूमिडिटी डिफरेंस आता है जहाँ आप काम करते हो तो आंखें उससे ड्राई हो जाती है. जो आप जो बोलते हो ना फोकस डिफोकस, उसमें बेसिकली क्या होता है आंखों के ऊपर का जो टियर फिल्म होता है ना, इट्स एन इनविजिबल लेयर. सी जैसे अभी हम लोग आंखें खुली रखे, अपने कीकी के ऊपर एक फिल्म है जो आपको दिखती नहीं, दैट इज योर टियर फिल्म. सो क्या होता है वो टियर फिल्म है ना ब्रेक हो जाती है जैसे आंख ड्राई हो जाती है, सूख जाती है. जैसे अगर बहुत ज्यादा फैन है, आप शादियों में जा रहे हो, वो बड़े वाले जो फैन होते हैं वो डायरेक्ट आंख में लग रहे हैं, आंख उससे ड्राई हो जाती है. या टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, तो उस वजह से क्या होता है आंखें अगर बहुत ज्यादा ड्राई हो जाएगी तो वो जो टियर फिल्म जो रेगुलर होता है वो फट जाता है या टूट जाता है. टियर फिल्म के कारण क्या होता है जो लेयर है ना वो पूरा टूट जाता है, उसकी वजह से पूरा आपको धुंधला दिखता है. फिर जैसे ही आप ब्लिंक करते हो या एक दो बार पलक झपकाते हो तो फिर से वो टियर फिल्म फिर से रेगुलर हो जाता है एंड देन यू स्टार्ट सीइंग बेटर. अगर ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देने लग जाए तो यस, टियर सब्स्टिट्यूट्स या जो आर्टिफिशियल टियर्स हम लोग जो बोलते हैं, मैंने जो बताए थे वो आप यूज कर सकते हो, उससे आपकी आंखों में नमी रहेगी, मॉइस्ट रहेगी. ओके, तो ये प्रॉब्लम होगा नहीं. ओके सर, थैंक यू सो मच सर. विशाल सर. हेलो. यस हाँ, मैं चंदू भाई बोल रहा हूँ. यस यस सर. हाँ, ये पीसी पे जब काम करते हैं हम सब, तभी मुझे मतलब बाइफोकल है, दोनों है, मेरी एज 61 है. तो माइन्यूट चीज देखने के लिए मुझे एकदम क्लोज जाना पड़ता है बाइफोकल को, ऐसा आंख ऊपर करके. या तो प्रोग्रेसिव ग्लासेस गुड फॉर दैट? वेरी गुड. यस डेफिनेटली प्रोग्रेसिव ग्लासेस आर गुड. द ओनली प्रॉब्लम इज इट रिक्वायर्स अ लर्निंग कर्व, मतलब उसको एडजस्ट होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है आपको. सो अगर आपने प्रोग्रेसिव ग्लासेस नए लिए, क्योंकि प्रोग्रेसिव ग्लासेस काफी महंगे आते हैं, सो अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हो, सो देयर कैन बी अ प्रॉब्लम फॉर फ्यू डेज या फ्यू वीक्स जब आप उसको एडजस्ट हो जाते हो. बट एक बार आप एडजस्ट हो गए तो उसके बाद आपका नियर विजन, नियर डिस्टेंस, डिस्टेंट एंड इंटरमीडिएट डिस्टेंस वो आराम से उसमें कवर हो जाते हैं. हाँ, क्योंकि ऑप्टिशियन ने मुझे गाइड किया कि ऐसे करो अगर आप पीसी पे वर्क करते हो तो ज्यादा. यस स्पेशली अगर आप ध्यान से देखोगे आपका जो पीसी का जो डिस्टेंस है डेस्कटॉप का, वो ना ही नियर में क्वालिफाई होता है ना ही डिस्टेंस में आता है, वो इंटरमीडिएट डिस्टेंस होता है. बराबर. सो जो हम लोग नियर विजन वाले जो बाइफोकल ग्लासेस पहनते हैं उससे भी आपको जमेगा नहीं, और जो डिस्टेंस की ग्लासेस होते हैं वो भी जमेगा नहीं. तो ऐसे केसेस में आप जो इंटरमीडिएट डिस्टेंस होता है उसके लिए या तो आप अलग से एक नंबर बना सकते हो बाइफोकल के अलावा, या तो फिर यू कैन गो फॉर प्रोग्रेसिव ग्लासेस. क्योंकि मेरा सिलिंड्रिकल भी बहुत ज्यादा है, 90 है. ओके ओके, दैट शुड बी फाइन, दैट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम. लेकिन यूज कॉन्स्टेंटली ग्लासेस, अच्छे से कॉन्स्टेंटली ग्लास पहन के रखना है. उसके साथ साथ जो मैंने प्रिकॉशंस या प्रिवेंशन जो बताए थे वो आप ध्यान से रखोगे तो यू शुड नॉट बी हैविंग प्रॉब्लम. स्क्रीन का जो एंगल है, अगर आप जैसे डेस्कटॉप नहीं बट लैपटॉप है तो लैपटॉप का जो स्क्रीन का एंगल है वो भी उसको अच्छे से रखना है. योर जो वो जो स्लाइड था वो बहुत इंपॉर्टेंट था. इफ यू मेंटेन ऑल दोस थिंग्स देन यू विल हैव अ कंफर्टेबल वर्क. नहीं, मुझे आपसे पूछना है कि एक्सिस माइंड्स इन दिस एक्सिस जो स्पेक्स में, जरा सा भी अगर एक्सिस डिफरेंट आ गया तो आपको जमेगा नहीं. इसीलिए मैंने कहा था हमेशा अगर आप नंबर भी अगर आप कर रहे हो तो आंखों के डॉक्टर के पास जाइए, उससे नंबर निकालिए, फिर आप ऑप्टिशियन के पास जाके नंबर बनाइए. उसके बावजूद भी काफी बार ऐसा होता है जो डॉक्टर ने नंबर दिए है और जो ऑप्टिशियन आपको ग्लास देता है वो काफी बार कोइंसाइड नहीं करता है, क्योंकि आपको स्पेशली सिलेंडर ग्लासेस है. अगर आपका जैसे 90 का एक्सिस हुआ और अगर उन्होंने 85 का भी बनाया, इवन 5 डिग्री और 10 डिग्री डिफरेंस इन योर एक्सिस विल कॉज प्रॉब्लम. सो अगर आपको ग्लासेस नहीं जम रहे, सपोज आपने नए ग्लासेस बनाए, तो डेफिनेटली चेक योर एक्सिस ग्लासेस. उनके पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है स्पेक्टिकल जो वाले जो अपने ऑप्टिशन होते हैं, उससे फिर से आप नंबर चेक करवाइए. अपने ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ने जो नंबर दिया उससे कोइंसाइड करिए वेदर नंबर मैच हो रहा है कि नहीं. अगर नंबर मैच नहीं हो रहा तो ग्लासेस फिर से बनाने पड़ेंगे आपको. ऑल्सो दूसरा इंपॉर्टेंट थिंग है उसमें सेंट्रेशन आता है. सो जब आप चश्मे बनाने जाते हो दुकान वाले के पास तो क्या सेंट्रेशन का, हेलो, सेंट्रेशन क्या? यस यस, वो जो ऑप्टोमेट्रिस्ट होता है या जो जहाँ पर आप चश्मे बनाते हो वो लोग ये चेक करते हैं सेंट्रेशन का. अगर उन्होंने चेक नहीं किया है तो उनको पूछना है आपको कि हमको सेंट्रेशन भी अच्छे से चेक करके दीजिए. अगर सेंट्रेशन में प्रॉब्लम है या एक्सिस में इशू है तो आपको ग्लासेस सेट नहीं होंगे, आपको इश्यूज आएगा. लेकिन मैं जो फोटोग्राफी करता हूँ उसमें प्रोग्रेसिव इज गुड? या प्रोग्रेसिव इज गुड. इसमें भी इश्यूज यही है कि आपका जो डिस्टेंस है, बिकॉज फोटोग्राफी आप जब करते हो ना तो आपके वेरी डिस्टेंसेज है. आप नजदीक में भी काम करते हो, दूर में, आपको काफी बार फास्ट फास्ट भी काम करना पड़ता है, इंटरमीडिएट में भी आता है.
तो ऐसे केस में बाइफोकल कैन बी वेरी डिफिकल्ट बिकॉज आपको जो एडजस्ट करना है ऊपर से नीचे की तरफ जो ग्लास में देखना है इट कैन नॉट बी दैट इजी. सो प्रोग्रेसिव आर डेफिनेटली वेरी गुड. ओनली थिंग इज यू हैव टू बी एडजस्टेड टू प्रोग्रेसिव. काफी लोग को प्रोग्रेसिव जमते नहीं है बट इफ यस यू कैन एडजस्ट टू प्रोग्रेसिव इट इज वंडरफुल. थोड़े कॉस्टली है लेकिन इट इज वेरी गुड. ओके ओके थैंक यू. राजेंद्र सर को बात करना है. हाँ सर, तो मेरा क्वेश्चन है कि मार्केट में जब हम स्पेक लेते हैं स्पेक में इतने डिफरेंसेस कॉस्ट वाइज इतना डिफरेंस है कि 100 रुपए का भी एक स्पेक मिलता है, 10,000 का भी मिलता है और मतलब बहुत वेरिएशन है. तो इसमें से ये वेरिएशन क्या है और इसको कैसा समझने का कि ये इसमें से बेटर कौन सा है. अभी मतलब ये बात तो है कि जो ज्यादा महंगा होगा उसमें कुछ खास बात होगी लेकिन एक क्या कैसे समझने का कि अपने लिए बेटर. सी जैसे हम ब्रांड्स के लिए जाते हैं अगर आप कोई भी चीज ब्रांडेड लेते हो तो डेफिनेटली क्वालिटी मेक्स अ डिफरेंस. आप लोकल मेड जो आते हैं जैसे स्पेक्स अगर आप होलसेल में जाके देखोगे तो 50-100 रुपीज के भी मिलते हैं ग्लासेस फ्रेम्स. तो लोकल मेड और जो ब्रांडेड होते हैं उसमें डिफरेंस होता है मेक में क्वालिटी में, दैट इज वन थिंग. बट फ्रेम से ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने ग्लासेस जो जो कान जो लगाते हैं बिकॉज फ्रेम इज मोर फॉर योर कम्फर्ट. जहाँ पर आपको उसमें नोज बेड जो होते हैं यहाँ पर जो साइड में जो आते हैं उसको अवॉइड करिए जितना हो सकता है लेकिन वहाँ से वो प्रेशर पॉइंट हो जाता है और वो बहुत टाइम के बाद वहाँ पर स्किन कभी कभी अगर आपको जलने लगती है रेड हो जाती है सोर हो जाती है तो उससे आप कंफर्टेबल नहीं रहोगे. ऑल्सो साइड का जो ये फिटिंग होता है उसको आपको देखना है ध्यान रखना है. अदरवाइज मेन इंपॉर्टेंट थिंग है अपने ग्लासेस ये जो हम लोग अंदर डालते हैं ग्लासेस में. येस क्रिजाल जैसे जो एडवांस जो ग्लासेस आते हैं दोज आर ऑल वेरी गुड ग्लासेस. आई एम नॉट प्रोमोटिंग एनी कंपनी बट इन जनरल मैं बता रहा हूँ कि जो भी ब्रांडेड के जो आते हैं वो महंगे आते हैं येस बट दे आर वेरी गुड. कॉस्ट वाइज क्या होता है कि जैसे हम लोग अगर वो आप ब्लू रेस प्रोटेक्टिव ग्लासेस अगर बनाते हो या एंटी रिफ्लेक्टिव या एंटी ग्लेयर कोटिंग करते हो अपने ग्लासेस में तो कॉस्ट थोड़ा थोड़ा बढ़ते लगेगा. जैसे आप अगर नॉर्मल ग्लासेस से प्रोग्रेसिव बनाने लग गए तो वापस उसमें कॉस्ट पड़ेगा. ऑल्सो ये जो शॉप्स है जैसे हम लोग हमारे जो चश्मा बनाने वाले दुकानें ऑटोमेट्रिस्ट वाले होते हैं उनके भी ब्रांड्स में वेरिएशन आने वाला है. कोई पुरानी दुकान है कोई ब्रांडेड शॉप है तो वो कॉस्ट थोड़ा सा ज़्यादा होगा. जो कोई न्यू शॉप है या छोटी दुकान है लोकल वाली तो वो कॉस्ट थोड़ा कम होगा. सो प्राइसिंग जो है इज़ वेरी वेरिएबल एंड बहुत सारे फैक्टर्स है उसमें. वॉट वी हैव टू लुक एट इज एक जो चश्मे का जो फ्रेम होता है वो अच्छा फिट होना चाहिए उसका. वो ज़्यादा लूज नहीं ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए. नोज की तरफ जो बीड्स है उसको हम अवॉइड करें उतना अच्छा है. कम्फर्टेबल होना चाहिए और जो ग्लास है वो अच्छी क्वालिटी का है. अगर somebody has to do a cost cutting for glasses, so I will tell frame में कम cost waste करो और glasses अच्छे बनाओ. Right. हाँ बराबर है. तो और एक बात मतलब एक जैसे आपने क्रिजाल का नाम लिया U2 करके कोई brand है क्या U2 या ऐसा कुछ. Many brands मतलब there are more than like 50-100 brands है. So इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अ जनरल पर्सन टू रियली फाइंड आउट. आपको डिफरेंस पहचानने में भी बहुत मुश्किल होगी. इट्स नॉट ईजी. सो यू हैव टू गो बाय योर ऑप्टोमेट्रिस्ट जो बताते हैं या जो ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट है सपोज अगर उनके वहाँ से अगर आप चश्मे बना रहे हो. सो यूजली जो डॉक्टर्स है सपोज आप डॉक्टर्स के पास जाते हो अगर उनके पास ही वो फैसिलिटी है तो वो नॉर्मली स्टैंडर्ड वाले ग्लासेज ही रखेंगे. वो आपको हल्के वाले ग्लासेस देंगे नहीं. जैसे अगर आप बाहर जाते हो और चश्मे वाले के पास बना रहे हो तो आप ये जो बेसिक चीज़ें हैं वो थोड़े ध्यान में रखिए. ग्लास अच्छी क्वालिटी का अच्छा मेक का लीजिए. इम्पोर्टेड वाले ग्लासेस ऑफकोर्स थोड़े महंगे आते हैं. लोकल मेड्स थोड़े सस्ते आएंगे बट ब्रांड क्वालिटी नॉर्मली क्या होता है इवन जो लोकल वाले भी आते हैं दे हैव टू पास थ्रू अ सर्टेन नॉर्म्स उसके बाद ही वो मार्केट में आते हैं. सो ऐसा नहीं है कि इम्पोर्टेड ही अच्छे होते हैं. लोकल मेड्स भी अच्छे होते हैं. अपने फाइनेंशियल पोजिशन के हिसाब से हम लोग काफ़ी लोग ग्लासेस के लिए जाते हैं. कोई कोई बहुत महंगे भी लेते हैं बट एन एवरेज ग्लास इज फाइन. यू डोंट नीड टू रियली स्पेंड टू मच ऑन दैट. गुड क्वालिटी खाली होना चाहिए. सर कैसा हेलो सर या सर कैसा है कि वी फोटोग्राफर डोंट कॉम्प्रोमाइज विद कॉस्ट स्पेक्स के लिए स्पेशली फॉर द आईज. यस 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 क्योंकि हमारा पूरा फंक्शन आईज के ऊपर ही डिपेंड करता है. यस 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 एब्सोल्युटली. हां एंड वन थिंग आई वांट टू नो कि जो प्रोग्रेसिव ग्लास और ये जो नॉर्मल ग्लास है इज इट वास्ट डिफरेंस इन दैट प्राइस वाइज इन प्रोग्रेसिव एंड व्हिच वन नॉर्मल ग्लासेस. नॉर्मल ग्लासेस यस यस 5,000 to 10,000 का डिफरेंस डिपेंडिंग ऑन योर मेक एंड द क्वालिटी. Yes. Okay. And while going for progressive glass,
उसमें भी बोलना पड़ता है एंटी ग्लेयर कर दो करके कि इट इज एंटी ग्लेयर. हां दैट इज अप टू यू. अगर आपको कोटिंग चाहिए स्पेशली अगर आपका काम वैसा है एंड आपको ये सब कोटिंग चाहिए यस यू कैन मेक दैट. थोड़ा कॉस्ट बढ़ जाएगा उसमें बट देन इट इज वेरी गुड फॉर लॉन्ग टर्म. आपको वो काम में बहुत हेल्प करेगा. ओके ओके थैंक यू सर. हेलो यस आपने जो बोला ना अभी प्रोग्रेसिव ग्लास के बारे में वो जो इंटरमीडिएट डिस्टेंस जो आपने बोला ना कंप्यूटर की स्क्रीन और हमारे बीच में yes. मैंने देखा कि मैंने प्रोग्रेसिव ग्लास वाला भी स्पेक्स बना के लिया लेकिन वो इंटरमीडिएट डिस्टेंस फिर भी एडजस्ट नहीं हो रहा है. तो फिर मैंने स्पेक्स निकाल के काम करना शुरू किया. अभी तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैं कंप्यूटर पे विदाउट स्पेक्स काम करता हूँ और फोटोशूट के टाइम में मैं स्पेक्स लगा के काम करता हूँ. सी द थिंग इज अगर आपके नंबर्स बहुत ज़्यादा नहीं है ना तो आप चश्मे निकाल के भी अगर आप काम करोगे तो आप काम अच्छे से कर पाओगे. लेकिन अगर किसी को बहुत ज़्यादा नंबर्स है और आपको ये प्रोग्रेसिव नहीं जम रहे दैट्स वाई आई टोल्ड प्रोग्रेसिव का जो मेन इशू है उसमें है एडजस्ट होने के लिए. क्योंकि जो डिस्टेंसेज होते हैं उसमें जो सर्कल्स अगर आप ध्यान से देखोगे ग्लासेस को उसमें जो डिस्टेंसेज मेजर्ड है आप जो काम कर रहे हो वो डिस्टेंस को कोइंसाइड होना चाहिए. अगर आपका जो वर्किंग डिस्टेंस है और वो जो फोकल लेंथ जो है उसको कोइंसाइड नहीं करेगा तो आपको ठीक से दिखेगा नहीं. आपको प्रॉब्लम आएगा. इसलिए यू हैव टू सेट योर डिस्टेंस अकॉर्डिंगली. अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा नज़दीक से जम नहीं रहा है थोड़ा सा मे बी डिस्टेंस आप अपना चेयर या जो है वो एंगल आप चेंज करके देखिए इफ़ यू आर यूजिंग प्रोग्रेसिव. बट बेसिकली दीज क्लासेस के लिए इट्स अ लिटिल बिट ऑफ लर्निंग कर्व या उसको सीखने के लिए थोड़ा सा या उसको एडजस्ट होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है. एंड वंस यू गेट एडजस्टेड सी इट्स ऑल पर्सनल. आप कितना कोई बहुत नज़दीक से काम कर रहा है कोई बहुत दूर से काम करता है सो डिस्टेंस इज बहुत वेरिएबल होता है. बट वंस यू सेट अ डिस्टेंस आपको पता है इस डिस्टेंस पे मुझे अच्छे से सेट हो रहा है सो देन इट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम. स्पेशली आई वुड नॉट सजेस्ट कि अगर आपको ज़्यादा नंबर है तो चश्मे बिना काम मत करिए. हल्का सा नंबर हो तो दैट इज ओके फॉर फ्यू आवर्स यू कैन मैनेज. बट अगर नंबर ज़्यादा है तो यू वुड रिक्वायर ग्लासेस. गो टू योर डॉक्टर लोकल डॉक्टर अगेन एंड री चेक योर ग्लासेस. अच्छे से ग्लासेस फिर से बना लीजिए दूसरे बना लीजिए. मे बी नॉट प्रोग्रेसिव यू कैन मेक अ नॉर्मल ग्लासेस फॉर दैट डिस्टेंस व्हाट यू आर वर्किंग. मेरा -1.75 और +0.75 ऐसा है. ओके स्टिल सिग्निफिकेंट है. आई वुड सजेस्ट सी क्या है थोड़ा बहुत अगर काम करना है ना तो आपको चश्मे के बिना चल जाएगा. बट बाद में जैसे आपको भी थोड़ा सिलेंडर है आफ्टर अ कपल ऑफ आवर्स वो सब क्या होगा फिर बाद में हेडेक आगा या स्ट्रेन आना शुरू हो जाएगा आंखों पे. सो स्पेक्स आर ऑलवेज बेटर. सो आई वुड सजेस्ट अगर नंबर्स है तो फिर डेफिनेटली स्पेक्स पहनिए राइट नंबर्स के अच्छे से फिर से एक बार ग्लासेस चेक करा लीजिए आप. बट आई थिंक आई वुड सजेस्ट ग्लासेस पहन के काम करिए. आपके हिसाब से सर कितना टाइम लगता है सेट होने में प्रोग्रेसिव को विद इन अ वीक? पर्सनल सम पीपल विद इन अ सेम डे एंड सम पर्संस कितना भी हम लोग करवा ले तो भी सेट नहीं होते उनको. दे आर जस्ट नॉट यूज्ड टू प्रोग्रेसिव ग्लासेस और उनको दे आर नॉट मेड फॉर प्रोग्रेसिव ग्लासेस. वी हैव टू गो बैक टू द ओल्ड ग्लासेस. सो दिस इज वेरी सब्जेक्टिव बट येस फ्यू डेज आर मोर देन इनफ. अगर आपको जमता होगा तो कुछ दिनों में आप एडजस्ट हो जाओगे. कपल ऑफ डेज और अ वीक में अभी मैक्सिमम. और आपके हिसाब से आप बोल रहे हैं कि अगर सेट नहीं होएगा तो इज देयर एनी चांसेस विद इन दैट पीरियड की हो जावे सेट? कैन हैपन बट येस देर आर मेनी पेशेंट्स हु आर नॉट हैप्पी इन स्पाइट ऑफ 1 week 2 weeks वेटिंग ऑल्सो एंड देन दे आर अ लिटिल अपसेट ऑल्सो बिकॉज इतना पैसा खर्च किया प्रोग्रेसिव बनाया एंड देन बाद में दे कम बैक अगेन सेइंग दैट हमने इतना एक्सपेंसिव ग्लास बनाया लेकिन हमको सेट नहीं हो रहा है. सो दैट That can happen. So there is always a disclaimer. जब आप progressive glasses बनाते हो, be careful. What precaution? बहुत अच्छे glasses. But अगर नहीं होते, तो nothing abnormal with that. You can go back to your normal glasses. ओ इतना खर्चा करके सर फिर back to that same glass जाना तो? But not necessary. सभी को ऐसा होगा. Many patients are, most of the patients are very happy with progressive glasses. ऐसा नहीं है कि very few don't get adjusted. Is there any clue for that कि भाई ये एक चेक कर लेने का कि it will suit you or not? Not really. It will come personal subjective होता है, so you will come. It should not be much of an issue. See, these are very rare cases जिनको progressive नहीं जमते. Maximum आजकल आप अगर बाहर देखोगे बहुत लोग आजकल progressive पहनते हैं. Especially जो companies वगैरह में है या जो लोग बहुत multiple distances में काम करते हैं. तो प्रोग्रेसिव्स आर द इन थिंग नॉट जस्ट प्रोग्रेसिव ग्लासेस. जो आप जैसे अपनी एज होने के बाद जैसे मोतिया अगर कराओगे तभी भी आपको डॉक्टर्स ऐसे लेंसेज सजेस्ट करेंगे जिसमें मल्टीपल डिस्टेंसेस का आता है जैसे मल्टीफोकल ग्लासेस लेंसेज कहते हैं. सो वो भी आपको ऑप्शन आएगा. सो आजकल वो भी काफ़ी लोग डालते हैं मल्टीफोकल ग्लासेस कैटरेक्ट के बाद.
जो उसके बाद आपको क्या है कि नजदीक के दूर के या इंटरमीडिएट डिस्टेंस के लिए प्रॉब्लम नहीं आएगा. सो दोज आर ऑल्सो इन ट्रेंड बट दे आर वेरी एक्सपेंसिव. यस सर. और एक क्वेश्चन कर लो आपसे, टाइम है ना सर? या नो प्रॉब्लम सर. वो अभी एक एड आती है यहाँ से, वो सेट करते क्या है, दैट इज व्हाट टाइप ऑफ स्पेक्स आर दैट दे फोकस फ्रॉम द? या आई हैव आल्सो सीन दैट. वी डोंट यूज दैट, हम लोग यूज नहीं करते हैं एंड समहाउ वी डोंट एडवाइस आल्सो फॉर दैट. ये जो ये जो हमारे पेशेंट्स होते हैं जिनको बहुत पुअर विजन है या जिनको पर्दे के इश्यूज है, जिनको बहुत बैड विजन या हम लोग लो विजन कहते हैं, देयर आर स्पेशल एड्स जिसे हम कहते हैं लो विजुअल एड्स. लो विजुअल एड्स में देयर आर समथिंग कॉल्ड बाइनोक्युलर्स आते हैं, स्पेशल ग्लासेस आते हैं जिसको pardon? बाइनोक्युलर ग्लासेस आते हैं लो विजुअल एड्स LVA. सो दोज आर स्पेसिफिकली फॉर पेशेंट्स जिनका विजन बहुत पुअर है, आंखों का प्रॉब्लम है, जैसे पर्दे में इश्यूज है, मैक्युलर डिजेंशन जो मैंने डिस्कस किया था, उन लोग के लिए हम लोग ज्यादा यूज करते हैं. दे आर काइंड ऑफ अ मैग्नीफायर्स. तो जैसे हम लोग कोई चीज को मैग्नीफाई करते हैं, उनकी आंखें बिकॉज वीक होती है तो उससे ऑब्जेक्ट जो मैग्नीफाई हो जाते हैं, एंड जैसे आप डिस्टेंस चेंज करना चाहते हो तो वहां से आप एडजस्ट कर सकते हो. सो वी यूजुअली सजेस्ट दैट फॉर ओनली दोस काइंड ऑफ पेशेंट्स, अदरवाइज फॉर नॉर्मल वी डोंट सजेस्ट. वो लोग तो इतना इजीली दिखाते हैं कि सबको लालच लग जाती है सर कि यही चश्मा खरीद लो. या कैन हैपन बट स्टिल नॉट दैट मच इन यूज. व्हाट इज योर गाइडेंस रिगार्डिंग दैट? आई वुड नॉट सजेस्ट. ओके ओके. Thank you. Hello, Gulshan ji. Hello. Hello. Hello, Gulshan ji. Doctor, one question. Yeah. Hello. In Hello. Normal course, is it advisable to do any exercise regularly for the eyes? See, it's a very old topic. Exercise पहले बहुत बोला जाता था. आप ऊपर देखिए, सामने देखिए, left side, right side, circle motions में देखिए. But these are all more of myths. ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है इससे. अगर प्रॉब्लम्स है तो उसके इलाज करना जरूरी है, या फिर उसको प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए. आपकी आई वैसे ही बहुत ज़्यादा काम करती है दिन भर में. जो आप काम करते हो, जो हमारे मसल्स है, दे आर ऑलरेडी ओवरस्ट्रेन्ड. सो उसको और एक्सरसाइज करके ज़्यादा काम करने की जरूरत नहीं है. इनफैक्ट उसको रिलैक्स करने की जरूरत है. सो आई वोंट सजेस्ट. जो पुराने वाले डॉक्टर्स थे वो काफ़ी ये पहले सजेस्ट करते थे आई एक्सरसाइजेस, बट उनका कोई साइंटिफिक ज़्यादा रोल नहीं है. So try to relax your eyes more after the work, क्योंकि जब काम करते हो ऑलरेडी आपकी आंखें काफी स्ट्रेस में रहती है. Thanks, doctor. Thanks. And I hope sir ने बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर दिया है. Hello. हाँ योगेश भाई. Yes. आपका आवाज बहुत कम आ रहा है योगेश भाई, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाइए. Hello. योगेश भाई. Hello. अभी आ रहे हैं? Slow आ रहा है आवाज, slow आ रहा है. हेलो सर, ये पहले जो CRT मॉनिटर आते थे और अभी LED मॉनिटर आते हैं, उसमें कुछ ज्यादा फर्क है, या जो कुछ अभी जो रेटिना मॉनिटर आते हैं वो बेटर रहते हैं हमारा डेली यूज के लिए? नहीं नहीं, यस फर्क है उसमें. ब्लू रेज का जो लेवल है वो एक्सपोजर थोड़ा ज्यादा है. यस हां, CRT में ज्यादा है. सो इसीलिए दैट्स वाई जो जो डिजिटल स्क्रीन्स के लिए जो अभी स्क्रीन गार्ड्स वगैरह जो आते हैं, उससे आपका जो ब्लू रे एक्सपोजर है वो थोड़ा कम हो जाता है. दिस इज नॉट फॉर दोज हु आर यूजिंग फॉर सम मे बी आर्स और यहाँ वहाँ, जस्ट कैजुअली जो हम लोग एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करते हैं अगर. बट बहुत जैसे आप प्रोफेशनली यूज़ करते हो, बहुत लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ करते हो, तो ये डेफिनेटली हार्मफुल है. सो यू कैन यूज़ दोज. एक तो स्पेक्स में आप वो जो यूज़ कर सकते हो ग्लेज वगैरह जो रिफ्लेक्टिव कोटिंग आता है, एंड दूसरा अपने मॉनिटर्स पे भी आप लोग लगा सकते हो. यू विल सी अ ड्रास्टिक चेंज इन द मॉनिटर. जब आप वो फिल्म लगा लेते हो तो उसके बाद जो वो जो रिलैक्सेशन आपको मिलेगा वो विल बी मच मच बेटर देन व्हाट वाज योर प्रीवियस स्क्रीन. सो डेफिनेटली यू कैन चेंज दैट. लेकिन अभी CRT तो यूज नहीं करते ज्यादा, तो पहले CRT में जो आप अभी तो LED वगैरह जो चलता है, तो यू कांट गो बैक. दैट इज एन दोज आर द ओल्ड वंस. सो LED या जो भी स्क्रीन है, यस उसमें एक्सपोजर ज्यादा ही है. बट अगर आपको ज्यादा, सी फॉर नॉर्मल पीपल इट मे नॉट बी मच ऑफ अ प्रॉब्लम, बट इफ यू हैव दिस इश्यूज, जैसे आपको अगर कंप्यूटर विजन सिंड्रोम है या आपको ये स्ट्रेन वगैरह है, तो देन आई वुड सजेस्ट कि आप वो डिजिटल स्क्रीन लगा लीजिए, उसके ऊपर जो ब्लू रे का प्रोटेक्शन आता है वो आप यूज कर लीजिए. मार्केट में ये सब मिलता है, तो इससे क्या होगा, आपका एक्सपोजर कम हो जाएगा. उससे ये सब स्क्रीन से रेजोल्यूशन बहुत अच्छा बढ़ गया है, बट उसके सामने ही ब्लू रे एक्सपोजर ज्यादा है उसका. ओके थैंक यू. या
सर वही एलसीडी के सामने हम लोग जब बैठते हैं तो अभी जो स्पेक्स नंबर रहेगा, अभी समझो मुझे -0.5 है दूर का नंबर, दूर का नंबर है, तो वो कंटिन्यू में पहन के करूँ या विदाउट पहन के करूँ, कौन सा बेटर रहेगा हम लोग के लिए? क्योंकि हम लोग जब एडिटिंग करने बैठते हैं तो पूरी रात का रात निकल जाता है, यानी 6-6 घंटा कंटिन्यूसली हम लोग नाइट मार के पूरा एडिटिंग क्लियर करते हैं करेक्ट वीडियो का, तो वो टाइम पे ग्लेयर्स मैं तो नहीं पहनता हूँ, बिकॉज मुझे दूर का चश्मा है तो मैं जब कभी पहनता हूँ तो मेरा हेडेक चालू हो जाता है। द थिंग इज बिकॉज़ आप दूर का जो चश्मा पहनते हो और आप जो काम कर रहे हो काफी नजदीक है, इंटरमीडिएट डिस्टेंस है, इसीलिए आपको चश्मे के बिना जमता है। बट इसीलिए मैंने एक दूसरा एक उसमें लिखा था प्रेजेंटेशन में, जिनको अगर चश्मा नहीं भी पहनना ना तो उसके लिए दूसरे नॉर्मल ग्लासेस आते हैं 0 नंबर वाले, वो मैंने रखा है यूवी फिल्टर अपना येलो ब्लू लाइन कट करने के लिए, ब्लू रेस कट करने के लिए। हां सो दोस आर वेरी गुड, यस यस डेफिनेटली वेरी गुड, यू कैन यूज दैट। वो मैंने 1800s का मैंने स्पेशली लिया था कि वो ब्लू कट करने के लिए। यस यस येलो टिंटेड ग्लासेस जो कहते हैं। हां बस वही 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 सर। यस 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 आई ऑलरेडी पुट अ फोटोग्राफ आल्सो इन द प्रेजेंटेशन, वो बहुत अच्छा है। उससे क्या होता है, एक तो क्या है सपोज जैसे आपको अगर नाइट मारनी है या बहुत सारा काम है एडिटिंग का वगैरह एंड फॉर मेनी आवर्स, तो जैसे जो काम आप जो आपको सपोज बहुत टाइम के लिए अगर करना है तो आपका एफिशिएंसी बढ़ जाएगा, डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगा, आप ज्यादा समय तक आप कर, वरना 2-3 घंटे बाद आप थक जाओगे, आप शायद मे बी आपको जल्दी सोना पड़ेगा, यू मे हैव टू स्टार्ट अगेन वर्क द नेक्स्ट डे, बट इफ यू आर यूजिंग दिस प्रोडक्टिव मेजर्स तो आपका क्या है, आपका ड्यूरेशन बढ़ेगा, आपका कम्फर्ट लेवल बढ़ेगा, यू कैन वर्क फॉर लॉन्गर पीरियड ऑल्सो एंड विद less hazard to your eyes. Okay sir. Okay, thank you sir. और इसमें इनफैक्ट अभी मोबाइल में भी येलो फिल्टर्स आ गए हैं स्क्रीन के अंदर, तो वो भी काफी हेल्प करता है, मैं स्क्रीन को ब्लू से वो येलो में कन्वर्ट कर देता था। एब्सोल्युटली यस 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 ब्लू मोबाइल्स आल्सो अगेन अ बिग सोर्स ऑफ ब्लू रे, सो बी केयरफुल स्पेशली फॉर द किड्स, क्योंकि आजकल लॉकडाउन है एंड सभी लोग घर पे आउटडोर एक्टिविटीज कुछ है नहीं, सो किड्स को चुप कराना है या उनको शांत रखना है तो मोबाइल हाथ में दे देते हैं सब लोग, और लॉन्ग आवर्स के लिए जब भी वो लोग अगर गेम्स खेल रहे हैं या कार्टून्स वगैरह देख रहे हैं तो दैट कैन कॉज हार्मफुल, स्पेशली ये ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है ब्लू रेज़ का किड्स में, ये ऑलरेडी प्रूवन है, सो उसके लिए अगर आप ये स्क्रीन गार्ड या जो भी वो लगा लोगे तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा हेल्प रहेगा। सर उनको भी ये चश्मा पहनने दे सकते हैं हम लोग जो मैं आपको दे सकते हैं, बट यस आई डोंट थिंक वो इतना ज़्यादा टाइम पहनेंगे, अगर थोड़े बड़े रहे तो यस दे कैन यूज, but small kids may not use that much, so isliye better hai ki mobile mein agar aap cover laga do to that serves the purpose. Okay sir, okay, thank you sir. I hope we don't have more questions now, or if you have within 5 minutes we can cover it, because humne sir ka bahut kimti samay le liya hai, aur jaisa ki mujhe pata hai already hamare session ke pehle hi ek sir emergency case हैंडल करके आए हुए, इवन ही नीड्स रेस्ट, सो आई वुड डेफिनेटली रेकमेंड टू एवरीबॉडी टू जस्ट विद इन द 5 मिनट्स वी कैन जस्ट रैप अप आवर क्वेश्चन आंसर थिंग। एक कॉमन क्वेश्चन है, हाय हाय संदीप, एक जब हम लोग फील्ड पे रहते हैं यानी ऑर्डर पे वेडिंग फंक्शन हो या एंगेजमेंट है एक्स वाई जेड, तभी रिलैक्सेशन के लिए जब भी हमें ब्रेक मिलता है तो क्या कर सकते हैं, तभी आई के लिए कुछ डॉक्टर के पास उसके लिए जाने की जरूरत नहीं पड़ती, ओवर द काउंटर ड्रॉप्स कहते हैं उसको, सो अगर डिसेंट कंपनी के अगर आप लेते हो ड्रॉप्स तो दे आर वेरी गुड, आप अपने साथ कैरी कर सकते हो, यू कैन पुट इट मे बी 3-4 times इन अ डे एंड दे शुड बी इनफ। उसके अलावा जो चीज़ें मैंने बताई थी, बीच बीच में ब्रेक लिया करो, कीप योर आइज क्लोज फॉर सम टाइम, कीप ब्लिंकिंग मोर, हम लोग का बेसिकली क्या होता है अगर हम लोग कॉन्स्टेंटली एक चीज़ पे काम करते हैं ना तो ब्लिंक करना भूल जाते हैं, सो आप कॉन्शियस एफर्ट डाल के वो प्रैक्टिस करिए ब्लिंक करने का, सो उससे क्या होगा ऑटोमेटिकली टीयर फिल्म हेल्दी रहेगा, एंड अवॉइड दोज बिग फ्लैशेज डायरेक्टली देखने के लिए, जितना आप अवॉइड कर सकते हो उनको भी, इफ़ यू आर वर्किंग विद दैट सो उसको भी डायरेक्ट मत देखे ज़्यादा, those things are enough, plus the other things which I discussed, जो ब्रेक लेना है 20 मिनट्स के बाद बीच में 20 फीट दूर कहीं भी 20 सेकंड के लिए आप देख लो, सो 20-20-20 रूल भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बाय ऐड कर लो, माइंड में फिट कर लो, सो बी वंस यू स्टार्ट डूइंग इट कॉन्शियसली, अभी क्या है वो आपको फोर्सफुली करना पड़ेगा बट धीरे धीरे वो हैबिट बन जाएगा, एंड इट्स अ वेरी हेल्दी हैबिट, सो दैट योर आईज विल बी प्रीटी गुड विद दैट, सो वो आप इनकल्केट करो। हेलो आई वुड सजेस्ट दैट अगेन
this is out of my domain because yes, of course, ye bhi allopathy mein nahi aata hai. But see, rather than putting those things where we don't know what it is, of course, Ayurvedic ya jo dusre log hai, wo usko definitely recommend karenge. But with those things which have already been proven with allopathy, and these drops are absolutely safe. So you can use that jab required. ऐसा नहीं है कि ड्रॉप्स डालते रहना लाइफटाइम के लिए डालना है, अंडर सुपरविजन विद डॉक्टर्स एडवाइस ही डालना है. लेकिन यस, दीज आर वेरी सेफ ड्रॉप्स, सो यू कैन यूज एज मच एज पॉसिबल. जब भी ज्यादा तकलीफ है तो ड्रॉप्स यूज करो, जब भी तकलीफ उतनी ज्यादा नहीं है तो ये प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स जो ये सब सिंपल सिंपल ट्रिक्स है वो अप्लाई कर लो. सो दिस शुड बी मोर देन इनफ. इसके बावजूद भी अगर प्रॉब्लम ज्यादा है तो यस, देर आर अदर टाइप्स ऑफ ड्रॉप्स ऑल्सो, जो मेडिकेशन है, जो हैवी मेडिसिन है. मैं आई थिंक इसमें देख रहा हूँ अपने चैट बॉक्स में भी बहुत लोग ने लिखा है वो साइक्लोटियर्स FML वगैरह. आई थिंक दोज ड्रॉप शुड नॉट बी यूज फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन अनलेस सजेस्टेड बाय द डॉक्टर. FML इज बेसिकली अ काइंड ऑफ अ स्टीरॉयड, माइल्ड स्टीरॉयड है. सो उससे क्या है, आंखों में मोतिया या झामर हो सकता है, साइड इफेक्ट ऑन लॉन्ग टर्म यूज. शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग भी FML देते हैं एलर्जी के लिए वगैरह, या आंख में कोई ज्यादा प्रॉब्लम है, रेडनेस ज्यादा है तो हम लोग देते हैं, बट ओनली फॉर शॉर्ट टर्म, डोंट यूज फॉर टू लॉन्ग अ पीरियड. CMC वगैरह जो है वो आप आराम से यूज कर सकते हो, उसमें इशू नहीं है. साइक्लोटियर्स ऑल्सो पूछने के बाद. सिप्लॉक्स टीयर्स जो आया है मैसेज में अभी, सिप्लॉक्स इज बेसिकली एन एंटीबायोटिक, इन्फेक्शन है तो ही यूज करना है, उसके अलावा नॉर्मल में यूज नहीं करना है. डॉक्टर, फंक्शन में जो लेजर लाइट्स वगैरह रहते हैं वो कितना लेजर, यस लेजर, लेजर है ना, इज नॉट गुड फॉर आईज इन जनरल, वेदर इट इज वेल्डिंग का लेजर जो फंक्शन में आप देखते हो, या हम लोग भी लेजर यूज करते हैं, मेडिकल फील्ड में भी बहुत यूज होता है, तो उसके लिए उसके स्पेसिफिक प्रोटेक्शन शील्ड आते हैं, उसके गॉगल्स आते हैं. सो अगर वो पहने हैं तो ठीक है, अदरवाइज ट्राई टू अवॉइड सीइंग दोस लेजर्स, जितना हो सके अवॉइड करें उतना बेटर है. बहुत नजदीक से स्पेशली, बहुत दूर से अगर आप देख रहे हो तो मे नॉट हार्म यू मच. शूट करते हैं तो जैसे हमारे सेंसर के लिए लेजर हार्मफुल है, वो हमारे लिए कितना हार्मफुल है आईज के लिए, और इससे मतलब अगर हम, अगर वो सच में हार्मफुल है, इनके प्रैक्टिस में कुछ ऐसी बात आई है तो हम लोग ट्राई करेंगे कि उससे बचने के लिए, तो वही पूछ रहा हूं. डेफिनेटली एज आई एक्सप्लेन्ड, लेजर्स आर नॉट गुड फॉर द आईज इन जनरल, बट इट डिपेंड्स ऑन हाउ क्लोज यू आर टू द लेजर, आपके आंखों में कितना जा रहा है. अगर आप जैसे कोई लेजर शो देख रहे हो आजकल, आप कोई भी टूरिस्ट स्पॉट में जाते हो तो लेजर शोज वगैरह होते हैं, दोज आर प्रीटी फार अवे फ्रॉम यू, वो डायरेक्टली आंखों में उतने जाते नहीं है, सो दे मे नॉट डायरेक्टली हार्म यू. बट अगर जैसे कोई वेल्डर है वो नजदीक से काम कर रहा है, हम लोग हैं, हम लोग दिन रात लेजर करते हैं, हम लोग लेजर मशीन यूज करते हैं, तो वी हैव टू हैव दोज फिल्टर्स या प्रोटेक्टिव ग्लासेस, उसके बिना हम लोग नहीं कर सकते. उससे पर्दे में इफेक्ट आती है, यस लेजर इंजरीज होती है, सो यू हैव टू बी केयरफुल. अगर डायरेक्ट एक्सपोजर है तो उसको अवॉइड करना है, ज्यादा नजदीक से नहीं देखते. नहीं, पर्टिकुलरली हम लोग जब शूट पे जाते हैं तो हम लोग पार्टीज वगैरह कवर करते हैं, तो उसमें शो डेकोर में जो लेजर लाइट्स होते हैं तो उससे हमारे कैमरा को बहुत लोगों को हार्मफुल हुआ है कैमरा के लिए, तो उस वो पर्टिकुलरली वो बात दिमाग में रख के मैं पूछ रहा था कि क्या होता है कि हम बहुत केयर, मतलब हम लोग काम में बहुत इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो उस वक्त ये ध्यान में रहता कि मैं देख रहा हूँ लेजर लाइट की तरफ, वो मेरे तरफ से आके निकल जा रही है, आपने लेजर देख लिया और अगले दिन यू विल बिकम ब्लाइंड और समथिंग, ऐसा नहीं होता है. यस, बट यस वी हैव टू ट्राई कॉन्शियसली बिकॉज वी नो, जैसे आपके कैमरे को जैसे उसने डैमेज किया है, मेरे स्टार्टिंग के स्लाइड्स में अगर आपने देखा होगा, अपने कैमरा जो है आप लोग का और हमारी आंखें है वो इट इज द सेम, ऑलमोस्ट द सेम फंक्शन, जैसे कैमरा बनाया वैसे ही अपनी आंखें है. सो इट इज अ वेरी सेंसिटिव पार्ट ऑफ द बॉडी, एंड रेटिना स्पेशली can get damaged because of these heavy lasers, so you have to be careful. ज़्यादा नज़दीक नहीं जाना है. If you are taking photographs, yes, you are behind the lens, so directly आपको उतना harm नहीं करेगा. But photo लेने के बाद don't directly stare too much at the laser light. Yes. Thanks. Thanks. Hello. Hello. हाँ sir. Hello. Yeah. Hi. बोलिए. ये एक normal बात हो गई है कि हम लोग जब function में जाते हैं ना, तो यूजुअली हम लोग बोल देते हैं क्लाइंट को कि भाई ये लेजर लाइट बंद करवाओ, बट वो डेकोरेटर और जो डीजे वाला रहता है ना, वो बोलता है कि क्लाइंट हैज पेड फॉर दिस, सो आई विल बी कीप इट ऑन. तो व्हाट प्रिकॉशन वी शुड टेक, आइदर स्टॉप दैट और क्या है? नो, सी यू कांट स्टॉप दैट. सी बेसिकली यू आर गोइंग फॉर एन इवेंट टू शूट, एंड वहाँ जो गेस्ट है या जो लोग है उन्होंने पैसे दे के वो इवेंट मैनेजर से ये सब करवाया, सो यू कांट स्टॉप दैट.
यू कैन टेक योर ओन प्रिकॉशंस. अगर आपको बहुत ज्यादा अगर एक्सपोजर है सपोज, तो देर आर यस फिल्टर्स अवेलेबल, उसके स्पेशल ग्लासेस आते हैं, देर एक्सपेंसिव ग्लासेस, बट यस लेजर प्रोटेक्शन के लिए भी ग्लासेस आते हैं. सो यू कैन यूज दैट अगर उतना ज्यादा एक्सपोजर है तो. अदरवाइज यस, जस्ट अवॉइड लुकिंग एट देम डायरेक्टली. यू आर बिहाइंड द लेंस, आप कैमरे के पीछे से शूट करो तो आपको डायरेक्ट उतना इफेक्ट नहीं आएगा. पार्टी भी कोऑपरेट नहीं करती है सर इसमें. नहीं करेगी, बिकॉज़ यस लेजर आजकल फैशन में ही है, सो नोबडी विल डू. सभी जगह आप देखोगे तो लेजर शोज आर इन थिंग, सो सभी लोग करते ही है. वी हैव टू मेंटेन आवर सेफ्टी. ये दोनों को इफेक्ट करता है, हमारी आईज को और लेंस को. यस लेंस को और आईज को दोनों को इफेक्ट करता है ये हमारे. यस लेंस के लिए कुछ अगर ग्लासेस स्पेशल हो गया बनाए तो मुझे पता नहीं है, बट अपनी आईज के लिए बनाए. पार्टी कोऑपरेट करेगा या नहीं करेगा, हमको ध्यान रखना है कि बहुत देर तक वो लेजर को देखना नहीं है हमको, बस उतना ही. ऐसा नहीं है कि वो लेजर घूम के आके आपके आंख में जाएगा. Exactly. Okay. हमको थोड़ा ध्यान रखना होता है कि ज्यादा से ज्यादा हम उसको एक्सपोज ना करें या लेजर की तरफ डायरेक्ट ना देगा. इट इज जस्ट एज आप रोड पे ट्रेवल करते हो तो लोग आपको दिखेंगे वेल्डिंग करते हुए, हमको जानबूझ के जाके उधर देखना नहीं है वेल्डिंग की तरफ. यू विल सी वेल्डिंग हो रहा है, आप जब वेल्डिंग की तरफ देखते हो तभी आपको पता चलता है ना कि वेल्डिंग हो रहा है. सो यू आर लुकिंग एट वेल्डिंग जो रेज है, लेकिन आपको कॉन्सेंट्रेट करके वहीं नहीं देखना है. यू हैव टू जस्ट अवॉइड दैट. इट इज जस्ट लाइक दैट. थैंक यू सर. फोकस नहीं करना है ज्यादा, फोकस नहीं करना. थैंक यू सर. थैंक यू. आई होप यस आई होप एवरीबॉडी and God, Lord may answer all the questions. I'm sorry, there are kids at my home also, they are playing now. They started playing. So, you know, like, sir, sabhi ka question sir ne bahut hi achhi tarah se liya hua hai. Aur questions ka kabhi end nahi hota hai. Ye humne ye dino mein in the practice dekh liya hai. Ki har kisi ke paas ek naya query hai. तो इसका कोई एंड तो नहीं हो सकता है, बट डेफिनेटली आपने बहुत मेन मेन पॉइंट्स जो हमारे लिए थे वो कवर किए. तो मैं एमपीजी टीम एमपीजी की तरफ से सर आपको तो धन्यवाद देना चाहूँगा, उससे साथ में मैं संदीप रामबिया जी को थैंक्स बोलना चाहूँगा, बिकॉज आज हमारे साथ में सर जुड़े हैं, उसको बहुत उसकी मेन कड़ी है संदीप जी. संदीप रामबिया जी की वजह से आज डॉक्टर विशाल हमारे साथ में है. और मैं पूरी पूरी एमपीजी मेंबर्स और एमपीजी टीम की तरफ से डॉक्टर विशाल सर आपका मैं दय दिल से थैंक यू बोलना चाहूंगा. थैंक्स अ लॉट सर. थैंक यू सो मच. इट वाज अ प्लेजर एक्चुअली, बिकॉज़ इतना इंटरएक्टिव सेशन जल्दी होता नहीं. हम लोग वेबिनार्स अटेंड करते हैं, लेक्चर्स भी देते हैं, बट यूजुअली क्वेश्चंस आर लिमिटेड, कम होते हैं. बट इट वाज अ नाइस डिस्कशन, काफी बेसिक भी था, हमारा भी थोड़ा सा ब्रश अप हो जाता है बेसिक, बट it's a good session. Yes, interactive sessions are always better rather than a monologue, especially lockdown period. hamare liye hai sir, jaise maine pehle bhi bataya sir, abhi thoda der pehle hi our session start hone ke aadha ghanta pehle ghar pahunche hain. yes operation karke aaye ek, ha unhone ek emergency case ko handle karke wo ghar pahunche hain, aur fir wo itna fresh hamare samne hamare questions ko solve kar rahe hain. ye bahut bada hai hamare liye, matlab hamare liye bahut badi baat hai sir. We really thank them from the bottom of our heart. It's a great experience, because first time I'm speaking to photographers as such, and I had to literally go into problems which you guys face, because hum log generally dekhte hai, but specially photographers ke liye kya kya issues aate hai. I tried to read a little bit, find out kiya, and then mere presentation mein sab dalne ki koshish ki, hopefully sab solve kar diya hai. Sab kuch to solve nahi hota hai, but yes, there will be doubts. I have put my number there on mera WhatsApp bhi hai usme, so if anybody has any queries, kuch help ki zarurat ho to definitely they can contact me. I'll be happy to help. Yeah, done. Thank you. Thank you very much sir. Chalo bye Sandeep, thank you so much. Bye. Thank you. Chalo stay safe everybody. Yeah, thank you Vishal sir. Bye. End the meeting. Rakesh. Host, कहाँ गए host? दीपन आया क्या? Rakesh. मुझे तो फिर ऑप्शन नहीं है.